गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो कौन लौट के आया है। जी गाइस, थोड़ी आवाज शायद मेरी बदल गई है, शरीर में शायद ताकत उतनी बची नहीं, बट रॉकी इज बैक। और कमाल की बात है, दो दो बार रिपोर्ट कराने के बावजूद भी रॉकी भाई नेगेटिव आए हैं। एक नहीं, दो दो बार रिपोर्ट निकालने के बावजूद भी रॉकी भाई नेगेटिव आए हैं। और बस शरीर में कमजोरी बची है, बस शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसके अलावा अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। बट मानना पड़ेगा रॉकी भाई बाल बाल बचे हुए हैं अभी तक, पता नहीं कैसे बचा हुआ हूँ, बट मैं वापस आ चुका हूँ। एंड गाइस, वेलकम बैक, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम यू ऑल एट रॉकी एंड आरडीएक्स। और आज होने वाला है हमारा वादा पूरा, जहां पे भिड़ेंगे आज नन अदर देन टोटल गेमिंग, और उनका मुकाबला करेगी ज्ञान गेमिंग। इट्स टीजी वर्सेस जीजी, देखते हैं गाइस कौन किसके लिए कितने हैशटैग लगाएगा। इट्स टीजी वर्सेस जीजी, इट्स टाइम, इट्स शो टाइम गाइस, मुकाबला शुरू होने वाला है। योर्स ट्रूली रॉकी भाई इज बैक, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए दुआ और प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए और शुरू करते हैं हमारा पहला मुकाबला। बेस्ट ऑफ फाइव का ये मुकाबला रहेगा, टीजी वर्सेस जीजी। हमने जहां से रॉकी आरडीएक्स में स्ट्रीमिंग छोड़ी थी, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। टीजी वर्सेस जीजी, इट्स टाइम, इट्स शो टाइम। ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1, हियर वी गो। जी गाइस, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, अज्जू भाई टोटल गेमिंग की अपनी टीम, और उनके सामने जो टीम मुकाबला करने आई है वो है हमारे ज्ञान भाई, यानी कि ज्ञान गेमिंग की अपनी टीम। ये देखिए गाइस, ज्ञान ऋषभ काफी रिलैक्स मालूम पड़ते हैं। याद रहे गाइस, मैं आप लोगों को ये जो बेस्ट ऑफ फाइव के मैचेस हैं इनके रूल्स बता दूं। सबसे पहली बात तो डबल वेक्टर्स अलाउ नहीं है, ये लिमिटेड एमओ के पांचों मैचेस होने वाले हैं। ग्रेनेड बकायदा हर मैच हर राउंड में अलाउ रहेंगे। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने देखिए अपनी पूरी फ्रंट लाइन लाइनअप भेजी है, कप्तान फौजी अजय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स में काफी खुशी का मंजर, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं फौजी अजय को, और द वन देखिए हेडशॉट की कोशिश कर रहे हैं। द वन मैं बता दूं गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि ये कौन है, तो इनका नाम है टीजी प्रिंस सिंह। प्रिंस सिंह को आप अच्छी तरीके से जानते, एक वक्त में हॉकाई में हुआ करते थे, फिर टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स में आए, काफी शोहरत बतोरी, और अब अपने नाम द वन के नाम से प्रख्यात हो चुके हैं। और गाइस, एक्स्ट्रा स्नाइपर की दरकार थी, और आज टीजी बाला रॉकी एंड आरडीएक्स में पूरे 4 महीनों के बाद वापसी कर रहे हैं। जी गाइस, हैशटैग बाला इन द चैट। पूरे 4 महीनों के बाद अपना पहला क्लैश कोड खेलने आए हैं आज रॉकी एंड आरडीएक्स में हमारे गुजरात के शेर बाला, जावा बॉय, ही इज द स्पेसिफायर। ये है वो आग, ये है वो तेज तर्रार धार टोटल गेमिंग की, जिससे बचकर रहना चाहेगी ज्ञान गेमिंग। ये है वो एमवीपी, नाक में दम कर रखा है पूरे भारतीय सर्वर के जावा बॉय ने। चाहे ये गाड़ियां चलाएं, चाहे क्लोज रेंज में वेपन चलाएं या स्नाइपर उठाएं, जावा बॉय का कोई मेल नहीं। जावा बॉय, अगर मैं कहूं कि इस वक्त इंडियन सर्वर के सबसे इनफॉर्म खिलाड़ी, तो गलत नहीं होगा। तो और ये देखिए, ज्ञान गेमिंग से पहला बंदा डाउन, फौजी अजय डाउन, फौजी अजय डाउन, द वन बी डाउन। यहां पे दोनों टीमों में दो दो खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं, दोनों टीमों में दो दो खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। शॉट यहाँ पे ऋषभ द्वारा, वन ऑन वन, और यहाँ पे बाजी मार ली माफिया बाला। बड़े दिन बाद वापसी करी, और क्या धमाकेदार वापसी करी। अंततः दोनों टीमों के तीन तीन खिलाड़ी डाउन थे, वन ऑन वन था ऋषभ और बाला के बीच में वो मुकाबला। लेकिन मानना पड़ेगा बाला ने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस डज मैटर। पहला राउंड जाता है टीजी के खाते में, हैशटैग टीजी, हैशटैग जीजी। कौन जीतेगा गाइज? बहुत बहुत शुक्रिया गाइज मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद करने के लिए। और हाँ, अभी तक मेरी शक्ल देख के आपको लगी रही होगी कि शायद रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइज, दो दो बार मेरा आरटीपीसीआर का टेस्ट हो चुका है, और मैं दोनों बार नेगेटिव आया हूं। दिस इज वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। और अभी तक उम्मीद यही है कि अगर मेरा तीसरा रिपोर्ट भी नॉर्मल आता है, तो रॉकी भाई 1 तारीख के करीब अपने घर चले जाएंगे। कुछ दिनों तक मैं फैमिली के साथ वापस आऊंगा। और गजब का शॉट, ज्ञान ऋषभ गजब का हेडशॉट, इस बार बाला पे गुस्से का इजहार करते हुए। ज्ञान गेमिंग के ज्ञान ऋषभ ने गुस्से का इजहार किया बाला पे, और ज्ञान ऋषभ ने यहां पे टिट फॉर टैट जवाब दिया है कि बहुत हुआ,
आज जीजी वर्सेस टीजी है, आज बिल्कुल भी मजाक में लेने वाला हूं नहीं मैं। और राहुल सिंगदागी, बड़ा बड़ा दारोमदार खेला है इन्होंने। मैं बताऊं गाइज, इनसे जब बात हुई थी तो कई बार इनसे डिस्कशन में पूछा गया कि जब भी आप जीजी की ओर से खेलने आते हैं या टीम ओपी की ओर से सीएस खेलने आते हैं तो क्यों आपकी टीम में सबसे बड़ा सवाल राइस्टार नहीं होते हैं। तो राहुल ने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जवाब दिया कि रॉकी भाई देखिए साफ बात, ये मैचेस जो हैं लिमिटेड एमओ के होते हैं, एंड राइस्टार इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग नॉट जस्ट लिमिटेड एमओ बट वो सीएस आजकल ज्यादा नहीं खेल रहे हैं। ज्ञान भाई के साथ मजाकिया तौर पे वो खेल लेते हैं लेकिन ही इज नॉट कंफर्टेबल एनीमोर। और यहां पे जावा बॉय का गजब का शॉट, ऋषभ बिल्कुल अकेले, ऋषभ बिल्कुल अकेले और कोई मौका नहीं। लगातार दो राउंड जीती यहां पे टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स। #TG इन द चैट गाइस, टोटल गेमिंग। लेकिन कुछ भी कहिए गाइस, इफ्स एंड बट्स या जो कुछ भी कहिए, इस वक्त जीजी की टीम नन अदर देन स्टारों के स्टार राइस्टार को मिस जरूर कर रहे होंगे। जी गाइस, आप चाहे माने या ना माने बट राइस्टार को इस वक्त पूरे दिलो जान से मिस किया जा रहा होगा कि काश यहां पे राई होते। बट गाइस यकीन मानिए, राहुल के साथ आप ना चाहते हुए भी आपको सहमत होना पड़ेगा। लिमिटेड एमओ में जहां पे ग्रेनेड्स भी अलाउड हैं, वेक्टर भी अलाउड नहीं है, मुझे लगता है डिसीशन राहुल का बुरा नहीं होगा। आप लोगों को बस जीजी को सपोर्ट दिखाना है। ज्ञान ऋषभ यहां पे काफी मजाकिया अंदाज में खेल रहे हैं अभी तक और रिलैक्स है काफी। और ये देखिए, राहुल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त राइस्टार के नाम पे अपने पेट का नाम रखा है, राइस्टार इज नूब। क्या बात है, राहुल सिंगदागी स्टारों के स्टार राइस्टार के कप्तान और उनके सबसे अच्छे मित्र, उन्होंने अपने पेट का नाम भी राई के नाम पे ही रखा है। लेकिन गाइज इस वक्त किसी बड़े चमत्कार की जरूरत है क्योंकि ज्ञान ऋषभ के अलावा पूरे जीजी का किसी का भी खाता नहीं खुला है। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अपने ग्रेनेड्स के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। ये जीजी वर्सेस टीजी है, कोई छोटा मोटा मैच नहीं, बड़ा मुकाबला। टीजी बनाम जीजी के बीच में धमाकेदार मुकाबला। रॉकी मामू आर यू ओके? यस आई एम ओके ब्रदर, थोड़ी कमजोरी है क्योंकि मेरे शरीर में थोड़ा सा पानी की कमी हो गई है। दरअसल गाइज मुझे ये पता चला है कि मैं उन चुनिंदा कुछ लाख लोगों में से लकी हूं जिनका इम्यूनिटी पावर ऐसा है जो कोविड बर्दाश्त कर लेते हैं। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। मैं दो दो बार टेस्ट में नेगेटिव आया हूं गाइज। और यहां पे ऋषभ जबरदस्त शॉट, वो यहां पे क्या, ऋषभ को मौका नहीं। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स 3-0 से आगे। टीजी ने यहां पे ज्ञान गेमिंग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। ज्ञान गेमिंग गॉट टू ब्रेक द शैकल्स आउट गाइस। क्या लगता है, क्या जीजी कमबैक कर पाएगी? कम ऑन जीजी इन द चैट गाइस, पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से चीयर कीजिए अपनी टीम को। #GG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 G
आज मेरा जोश थोड़ा कम है क्योंकि मैं अभी अभी रिकवर हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइज मैं किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। ये मुझे लगता है लोगों की दुआ ही है क्योंकि मैं सुन के हैरान हूं। मैं दो दो बार नेगेटिव आया हूं और बस यही जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही हैं कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है जिससे कोविड लगती तो है बट छूकर चली जाती है। अनबिलीवेबल। क्या आज जीजी कोई करिश्माई चीज करेगी? क्या ज्ञान गेमिंग आज कोई करिश्माई ताकत दिखा पाएगी यहाँ पे फौजी अजय जी? गाइस ये है टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के कप्तान फौजी अजय। राहुल ओपी को खत्म कर दिया गया है ब्लैकबोर्ड पीएन ब्लैकबोर्ड के सामने फौजी अजय और डाउन कर दिया बहुत ही जबरदस्त शॉट पीएन ब्लैकबोर्ड के द्वारा। पीएन ब्लैकबोर्ड के द्वारा गजब का शॉट और गजब का शॉट यहां पे ज्ञान ऋषभ और ब्लैकबोर्ड के बीच में गजब की जुगलबंदी और यहां पे जावा बॉय ऊपर से ग्रेनेड डालने की कोशिश करते हुए। अगर यहां पे ज्ञान गेमिंग के तीनों खिलाड़ी आखिर तक बच गए तो जावा बॉय के पास सिर्फ हीलिंग बैटल करने के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। ज्ञान गेमिंग को अलग तितर बितर होने की जरूरत है। ऋषभ यहां पे इनका नेट चला गया।
ऋषभ का नेट चला गया, भारी पड़ेगा ये। जवा बॉय एक कमाल के इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, नाक में दम कर सकते हैं ये, हारा हुआ राउंड क्लच करके जिता सकते हैं जवा बॉय। क्या हीलिंग बैटल या कौन सा चमत्कार यहां पे जिता पाएगा ब्लैक बॉट भी डाउन यहां पे। ज्ञान ऋषभ बिल्कुल अकेले। जावा बॉय फिर से डैमेज, क्या हीलिंग बैटल करेंगे। एक और आखिरी ग्रेनेड डालने की चेष्टा, एक और ग्रेनेड डाली, बात बनी नहीं। जावा बॉय हीलिंग बैटल करने की चेष्टा रहेगी नाकाम, और ज्ञान गेमिंग ने यहां पे एक जबरदस्त डांस मूव के साथ 3-1 से कर लिया कमबैक। जी गो फॉर इट गाइस, हैशटैग ज्ञान गेमिंग इन द चैट। जी गाइस, ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने कमबैक कर लिया, क्या बात है। टीजी वर्सेस जीजी का ये रोमांचक मुकाबला, अभी तो पहला मुकाबला शुरू हुआ है गाइस। हैशटैग जीजी वर्सेस टीजी इन द चैट, सपोर्ट कीजिए। और गाइस गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, राहुल सिंह दागी खुशी का ठिकाना नहीं। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के सामने से इन्होंने बहुत जल्दी कमबैक करा है, और ये है वो कमबैक का सूत्रधार, इनका नाम है पीएन ब्लैकबॉट। गजब की डबल बैरल चलाई है इन्होंने, काफी क्षति पहुंचाई है द वन यानी कि प्रिंस सिंह और फौजी अजय कप्तान ऑफ टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को। जावा बॉय अकेले 7 किल करके गुर्राते हुए और चुनौतियां पेश करते हुए यहां पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की ओर से। दूसरी तरफ ज्ञान गेमिंग की टीम एक बार फिर से फंसी। राहुल सिंह दागी ने कमाल कर दिया, गाइस। राहुल सिंह दागी इज अनबिलीवेबल। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी डाउन है, 3 खिलाड़ी डाउन हुए थे, चलिए 1 रिवाइव हो गए। जावा बॉय रिवाइव देने में कामयाब रहे प्रिंस सिंह को, और अब दोनों डाउन। जावा बॉय दोबारा से अकेले, क्या ज्ञान गेमिंग यहाँ पे 3-2 से वापसी करने वाली है। सबका शॉट यहाँ पे जावा बॉय के ऊपर, अति से अति क्षति पहुंचाते हुए ज्ञान गेमिंग के लड़के राहुल सिंह दागी किसी संकले की तरह आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन डाउन। यहाँ पे ऋषभ का नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, ऋषभ का नेट पिंग जो है देखिए बार बार हाई हो रहा है, कहीं पे भी गोलियां चला रहे हैं, यानी कि जावा बॉय के सामने ब्लैकबॉट इकलौती उम्मीद, जावा बॉय के सामने इकलौती उम्मीद है ब्लैकबॉट। ऋषभ का तो नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप अगर देखें कहीं पे भी गोलियां चला रहे हैं, इनका नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ज्ञान गेमिंग को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन नहीं, ब्लैकबॉट ने यहाँ पे दोबारा से वापसी कर ली, 3-2 से यहाँ पे वापसी कर ली ज्ञान गेमिंग स्पोर्ट्स ने। हैशटैग जीजी इन द चैट गाइस, जी कम ऑन गाइस, हैशटैग जीजी इन द चैट गाइस, क्या बात है। मुकाबला बराबरी का, रॉकी बाबू 4-0 वर्सेस टीजी भी किया कराइएगा कभी, जरूर कराएंगे ब्रदर, जरूर कराएंगे भाई। आर यू ओके नाउ? हाँ, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, और मैं बता दूं गाइस कि 2-2 बार मेरा RT-PCR टेस्ट हो चुका है कोविड के रिलेटेड, और मैं दोनों बार नेगेटिव आया हूँ। अब बस तीसरा और आखिरी टेस्ट बचा है 14 दिन के अंत में, अगर वो भी नेगेटिव आता है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। डॉक्टर्स का यही कहना है कि कुछ चुनिंदा लाखों में से कुछ लोग ऐसे नसीब वाले होते हैं जिनका इम्यूनिटी पावर इतना बढ़िया रहता है कि कोविड उन्हें होता तो है, लेकिन वो ना तो कभी रिपोर्ट में आएगा और ना ही कभी उन्हें कोविड जो है पॉजिटिव दिखाएगा, बल्कि वो रिकवर कर जाते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर के चलते। और ब्लैक बॉट, क्या बात है, ज्ञान गेमिंग ने 3-0 का बदला 3-3 से कर लिया बेबी। हैशटैग ज्ञान गेमिंग इन द चैट, जी कम ऑन गाइस, हैशटैग जीजी इन द चैट गाइस, यही मौका है। और मुझे लगता है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है टीजी के फैंस को जीजी के लड़कों ने, क्योंकि जब इस मुकाबले का ऐलान हुआ था टीजी के समर्थक काफी खुश और कॉन्फिडेंट थे कि टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स खेलेगी टीजी से, जो कि एक प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स टीम है, और ज्ञान गेमिंग के लड़के उतना ज्यादा ईस्पोर्ट्स खेलते नहीं है और ऊपर से लिमिटेड है मोमेंट, तो इनकी कमर तोड़ के रख देंगे। लेकिन नहीं, मुकाबले को देखेगा इस बराबरी, 3-0 से आगे थी टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, लेकिन उसके बाद जीजी के लड़कों ने कमर तोड़ के रख दिया है यहां पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के लड़कों की। हैशटैग ज्ञान गेमिंग इन द चैट, पूरी शिद्दत से पूरी शक्ति से मुकाबला कर दिया है यहां पे ज्ञान गेमिंग, और ज्ञान गेमिंग ने आज साफ साफ ऐलान कर दिया है, डजंट मैटर सामने कोई बड़ा यूट्यूबर हो या ई स्पोर्ट्स टीम, आपका मुकाबला जीजी से है। ज्ञान गेमिंग ई स्पोर्ट्स
इज ऑल एंड सोल रेडी। इतने लोगों का समर्थन यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। जीजी के लड़कों ने साफ साफ ऐलान कर दिया यहाँ पे, जावा बॉय को खत्म कर दिया दोबारा से। पीएन ब्लैक बॉट ने कमर तोड़ के रख दिया यहाँ पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की। फौजी अजय चिंतित मालूम पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें तो ज्ञान गेमिंग में ऋषभ का नेट ढंग से चल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद 3-3 की बराबरी, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जीजी लीड भी ले लेगी। और अगर खुदा ना खास्ता पहला राउंड जीत गए, और यहाँ पे ज्ञान ऋषभ भारत के सबसे बेहतरीन स्नाइपर प्लेयर्स में से एक, इसमें कोई दो राय नहीं, और फौजी अजय को यहाँ पे डाउन कर दिया इन्होंने। द वन प्रिंस सिंह देखिए कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस सिंह और नहीं, पीएन ब्लैक बॉट बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, क्या जबरदस्त शॉट। हैशटैग ज्ञान गेमिंग इन द चैट गाइस, 4-3 से ज्ञान गेमिंग ने यहाँ पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को 4-3 से पीछे कर दिया है। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स कहाँ 3-0 से आगे थी, ऐसा लग रहा था एक तरफा मुकाबला शायद लेके जाएंगे पहले राउंड को, लेकिन जीजी ने कहा जाते कहाँ है, रुकिए जरा, हमें हजारों की तादाद में यहाँ पे जीजी से सपोर्ट करने आए हैं लड़के। आज का मुकाबला जीजी के फैंस के नाम, आज पूरी तरीके से जीजी के लड़के टीजी पे भारी पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। क्या टीजी को आज चमत्कारी रूप से मात दे पाएगी ज्ञान गेमिंग? क्या ज्ञान गेमिंग ने आज पासा पलटने की ठान ली? और ज्ञान ऋषभ को देखिए बड़े रिलैक्स मालूम पड़ रहे हैं, कमाल की स्नाइपर चला। ब्लैक बॉट, इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम, इन्होंने तो टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से भौचक्का करके रखा हुआ है। द एवर शॉकिंग ब्लैक बॉट, अगर ये कुछ दिनों में ज्ञान भाई के साथ स्ट्रीम में देखे तो मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा। गजब का डबल बैरल चल रहा है इनका, सटीक निशाने, वुकोंग का कैरेक्टर बिल्कुल सही टाइम पे लग रहा है इनका। जावा बॉय, फौजी अजय का गजब का शॉट, और इस बार घेर लिया राहुल सिंघागी को। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स वापसी की कगार पे, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स वापसी कगार पे। जावा बॉय आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, ज्ञान ऋषभ के सामने बंदा, ज्ञान ऋषभ, ओ इस बार नहीं, ज्ञान ऋषभ से ग्लू बॉल लगने में थोड़ी सी देर हुई, कीमत चुकाई। क्या यहां पे एक करिश्माई रूप से ब्लैक बॉट दोबारा से बाजी मार पाएंगे, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। ग्रेनेड डाली तो गई है और सटीक ग्रेनेड डाली जा रही है, देखिए ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाए ब्लैक बॉट, पूरी चेष्टा कर रहे हैं। देखिए यहां पे शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट ब्लैक बॉट द्वारा, ब्लू बॉल लगाई एक बार फिर से तेजी से, 1v3 मुकाबला ब्लैक बॉल, और इस बार टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स की वापसी 4-4। ये मुकाबला कांटे का पसीने बहा देने वाला मुकाबला, टीजी वर्सेस जीजी का मुकाबला आग उगलता हुआ। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स और जीजी के लड़कों ने आज बिल्कुल ठान लिया है कि कहां गए टीजी के समर्थक जो कह रहे थे मुकाबला एक तरफा होगा, कहां गए टीजी के समर्थक जो कह रहे थे कि हम जीजी के लड़कों को यूं चुटकी में मसल के रख देंगे। जीजी के लड़कों ने शुरुआती राउंड में ही दिखा दिया ना तो मुकाबला एक तरफा होने वाला है और ना ही टीजी को आज हम इतनी आसानी से जीतने देंगे। आज मुकाबला बराबरी का होगा, आज का मुकाबला जीजी के लड़कों का, खुद जीजी के फैंस के नाम। क्या आज ज्ञान गेमिंग के लड़के टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को पहले ही मैच में मात देके चारों खाने चित कर देंगे? क्या आज कहानी में बहुत बड़ा फेर बदलाव लिखा हुआ है? ज्ञान ऋषभ एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच का सिचुएशन बदलने के लिए जाना जाता है, और ये देखिए सिचुएशन बदल दिया, ज्ञान ऋषभ ग्रेनेड डाली, माफिया वाला खत्म। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। तब वन प्रिंस सिंह डैमेज हो चुके हैं, फौजी अजय डैमेज हो चुके हैं, और राहुल सिंघागी का गजब का रश, फौजी अजय भी डाउन, जावा बॉय बिल्कुल अकेले, 1v4, एक और राउंड ज्ञान गेमिंग के खाते में जाता हुआ, मुझे एक और राउंड यहाँ पे दिख रहा है ज्ञान गेमिंग के खाते में जाते हुए। क्या यहाँ पे जावा बॉय कोई करिश्मा कर पाएंगे या ज्ञान गेमिंग आसानी से 5-4 की लीड ले लेगी? मानना पड़ेगा जीजी के फैंस और जीजी के प्लेयर्स ने टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है यहाँ पे, जहां पे आप लोग कह रहे थे कि एक तरफा मुकाबला ले जाएगी टीजी, क्योंकि इनके पास भारत की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स टीमों में से एक है जिसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा जीजी के लड़कों ने दिखा दिया
ईस्पोर्ट्स की टीम इनके पास हो या ना हो, इनके पास एक चीज है और वो है जिगरा। और ये देखिए जिगरा तो यहाँ पे जावा बॉय ने भी दिखा दिया, नॉकडाउन कर दिया ग्रेनेड से। रिवाइव और यहाँ पे जावा बॉय को खत्म करते हुए 5-4 से लीड में जा चुकी है। यहाँ पे ज्ञान गेमिंग 10 किल कर चुके हैं पीएन ब्लैक बोर्ड, 5-4 से लीड ले चुके हैं यहाँ पे। रॉकी मामू आपने कहा था पिछली स्ट्रीम में कि मदद करेंगे, आई प्ले गुड डिवाइस प्रॉब्लम, प्लीज गिव मी वन गुड डिवाइस, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास। ब्रदर इस वक्त तो मुझे मदद की जरूरत है मेरी जान, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा कोविड टेस्ट 2-2 बार नेगेटिव तो आया है, लेकिन क्या है ना, इम्यूनिटी पावर चाहे जितनी भी अच्छी हो बट कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप अब भी मुझे देखें तो मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, मेरे चेहरे पे रौनक नहीं है पहले जैसी, और मैं यकीन मानिए मेरी शक्ति इस वक्त शरीर में आधी हो चुकी है। लेकिन और यहाँ पे पी एंड ब्लैक बॉट करारा हमला, और जावा बॉय यहाँ पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से भौचक्का करके रख दिया है ज्ञान गेमिंग ने। और ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने बिल्कुल ड्रीम शुरुआत करी है, जीजी के लड़कों ने बिल्कुल एकदम कहते हैं ना एक सुंदर सपने जैसी शुरुआत करी है यहाँ पे। क्या यहाँ पे जीजी के लड़के सटीक ग्रेनेड और सटीक हमला कर पाएंगे? जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, बाला ये वो दमदार स्नाइपर खिलाड़ी, देखिए ग्रेनेड से बार बार हमला करने की चेष्टा। ज्ञान गेमिंग का सबका कोऑर्डिनेशन, ज्ञान गेमिंग से ज्ञान ऋषभ ने हमला किया और ऋषभ ने पूरी तरह डाउन कर दिया। और ये देखिए दूसरी तरफ से हमला करते हुए जावा बॉय भी, बाला भी डाउन। देखिए पूरा चांस है इस वक्त ज्ञान गेमिंग के पास, पूरा मौका ज्ञान गेमिंग के पास, पूरा मौका एक और लीड लेने का। मुकाबला अभी भी 3-2 है, और यहाँ पे मुकाबला अभी भी 3-2 है। बाल बाल बच गए राहुल सिंह दागी, किस्मत राहुल के साथ है, हील करने की जरूरत है। फौजी अजय डाउन, जावा बॉय बिल्कुल अकेले। क्या आज वाकई में दुआ रंग लाई है? क्या आज करिश्मा होगा? जी बिल्कुल होगा। 6-4 से पूरे भारतीय सर्वर को हिला के चौकित करते हुए यहाँ पे ज्ञान गेमिंग पहले राउंड में 6-4 से आगे, 12 किल करके पीएन ब्लैक बॉट ने दिखा दिया कि ज्ञान गेमिंग किसी से भी कम नहीं। और मैदान में स्वागत है टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स आपका, जीजी पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार, 6-4 की लीड ले चुकी है यहाँ पे ज्ञान गेमिंग पूरी तरीके से। यहाँ पे ज्ञान गेमिंग के लड़के कमाल कर दिया, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स अपनी फ्रंट लाइन लाइनअप के साथ आई है, फौजी अजय उनके साथ, द वन प्रिंस सिंह, माफिया बाला और जावा बॉय, और सामने ज्ञान गेमिंग गिल्ड से 4 ऐसे खिलाड़ी जो शायद एक टीम में खेलते तक नहीं, लेकिन जज्बा उनका बरकरार। और इनके पास साथ है अपने जीजी के समर्थकों का दिल जान सब कुछ हाजिर। जीजी के लड़के क्या यहां पे धराशायी कर पाएंगे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को? कमाल कर दिया, बिल्कुल ही शॉकिंग डिसीजन। जब इस मुकाबले का ऐलान हुआ था, लगभग मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने कहा था कि टोटल गेमिंग और ज्ञान गेमिंग के बीच में यह मुकाबला शायद एक तरफा होगा, लेकिन नहीं, ज्ञान गेमिंग ने पहले ही मुकाबले में दिखा दिया अपनी सोच बदलिए, क्योंकि हम पूरी ताकत से यहां पे मुकाबला करेंगे। देखिए जावा बॉय बाल बाल बच गए यहां पे शक्तिशाली ज्ञान गेमिंग। यहां पे गजब का शॉट, और मेरे ख्याल से प्रिंस सिंह थे वो, जी बिल्कुल प्रिंस सिंह थे, गजब का शॉट लगाते हैं। और अकेले ऋषभ रह गए हैं इस राउंड में, वापसी जरूर कर लेंगे टोटल गेमिंग यहाँ पे वापसी जरूर कर लेंगे, लेकिन रुकिए जरा, 1-2 है अभी मुकाबला, 1-2 है, ग्रेनेड है नहीं इस वक्त ऋषभ के पास ग्रेनेड है नहीं, और ना ही मेडिकेट्स है। सबसे बड़ी बात, ऋषभ के पास मेडिकेट नहीं है गाइस। क्या ऋषभ यहाँ पे बच पाएंगे? क्या 20 की हेल्थ में 2 बंदे खत्म कर पाएंगे ऋषभ? क्या ऋषभ के खाते में कोई करिश्मा लिखा हुआ है? क्या ऋषभ यहाँ पे द वन और बाला का मुकाबला अकेले कर पाएंगे? जी नहीं, 6-5 से वापसी करते हुए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से वापसी करते हुए। जीजी और टीजी के नारे चैट में रुक ही नहीं रहे, कमाल का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, और ज्ञान गेमिंग के सारे समर्थक बेहद खुश, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पैसा वसूल हो गया। क्यों पूरा पैसा वसूल हो गया ना जीजी वालों? बिल्कुल ड्रीम शुरुआत, एकदम
सपनों से सुहाना शुरुआत कराया यहाँ पे ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने और टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, इन्होंने भी शुरुआत तो अच्छी करी थी, लेकिन शुरुआत अच्छी के बावजूद वहां पे ज्ञान गेमिंग और स्पेशली पीएन ब्लैकबॉट जैसा खेले हैं, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। देखिए राहुल सिंघदा की एक बार फिर से आगे बढ़े और हिम्मत दिखाई और देखिए गाइस बहादुर को भाग्य का सहारा। नाइस शॉट राहुल सिंघदा की। टोटल गेमिंग के दो खिलाड़ियों पे अकेले पड़ गए भारी, राहुल सिंघदा की अकेले भारी पड़ गए। टोटल गेमिंग के जावा बॉय और माफिया बाला को राहुल सिंघदागी ने कहा रुकिए जरा, बताता हूं आपको शक्ति ज्ञान गेमिंग की और गजब का मुकाबला। क्या पहला मुकाबला जीतेगी ज्ञान गेमिंग? क्या पहला मुकाबला ज्ञान गेमिंग जीतेगी? अकेले फौजी अजय रह गए हैं। ड्रीम स्टार्ट ओ माय गॉड दे डिड इट द अनथिंकेबल बेबी पूरे भारतीय सर्वर को हिला दिया, सबको चौकित कर दिया। ज्ञान गेमिंग ने बेस्ट ऑफ फाइव का ये पहला मुकाबला टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को चारों खाने चित करके 7-5 से हरा के जीता। #GG in the chat अनबिलीवेबल ज्ञान गेमिंग, धराशायी करके रख दिया टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को। दिमागी तौर पे बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स भौचक्की रह चुकी है यहां पे, अनबिलीवेबल। पहले ही मैच में कमाल कर दिया ज्ञान गेमिंग ने, पहले ही मैच में कमाल कर दिया ज्ञान गेमिंग की टीम ने। गाइस जितने भी बंदे देख रहे हैं वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाक से लाइक कीजिए गाइस। कमाल कर दिया ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने, कमाल कर दिया। जी गाइस, जी ऐसे चल रहा है चैट में। ओके, कैरेक्टर स्किल चेंज करने गए हैं द वन प्रिंस सिंह और ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने कमाल कर दिया, बवाल कर दिया है, भारतीय सर्वर को हिला के रख दिया और टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, जहां पे टीजी के समर्थकों ने कहा था कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, बट बिल्कुल नहीं। ज्ञान गेमिंग ने पहला ही राउंड जीत के दिखा दिया कि आज मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। शुरू करते हैं गाइस, मैच नंबर 2, हियर वी गो। जीजी के लड़कों ने तो कमाल कर दिया, जीजी के लड़कों ने कमाल कर दिया गाइस। कमाल कर दिया ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने, बवाल कर दिया। और कहां गए वो आलोचक जो राहुल सिंघदागी को कह रहे थे कि राइस्टार को ना लाना सबसे बड़ी भूल है। राहुल सिंघदागी ने अपने बलबूते पे दो खिलाड़ियों को धराशायी किया और पहला राउंड जिताया और आखिरी राउंड भी राहुल सिंघदागी अपने नाम लेके गए। मानना पड़ेगा गाइज, राहुल सिंघदागी ने दिखा दिया कि जो लोग ये बातें करते हैं कि जीजी की टीम शायद राइस्टार के बिना नहीं जीत सकती, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, राहुल सिंघदागी राइस्टार के कप्तान भी हैं और राइस्टार के सबसे अच्छे दोस्त भी। इनसे बेहतर राइस्टार को और राइस्टार की गेम प्ले को कोई नहीं जानता। जब इन्होंने सुना लिमिटेड एमओ का मैच है, जानबूझ के राइस्टार को नहीं लाया गया क्योंकि उन्हें पता है लिमिटेड एमओ जहां पे ग्रेनेड्स अलाउड हो शायद राइस्टार उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। लेकिन राहुल सिंघदागी ने दिखा दिया कि पीएन ब्लैकबॉट पे एक बार फिर से ज्ञान गेमिंग की टीम ने टोटल गेमिंग के लड़कों को पकड़ा। द वन प्रिंस सिंह
हमला करने की चेष्टा। टीएन ब्लैकबोर्ड ड्रेस चेंज करके आए हैं और राहुल सिंगदागी डाउन, राहुल सिंगदागी डाउन, ऋषभ डाउन, पहुंच दिया जाए। टीएन ब्लैकबोर्ड भी डाउन, ज्ञान ऋषभ बिल्कुल अकेले, ज्ञान ऋषभ बिल्कुल अकेले हैं, बचेंगे नहीं। और टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स 1-0 से आगे, प्रिंस सिंह ने क्वाड्रा किल किया। टीजी की ओर से धमाकेदार वापसी, प्रिंस सिंह द वन का क्वाड्रा किल, क्वाड्रा किल किया गया है। जी गाइस, टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स से द वन प्रिंस सिंह का क्वाड्रा किल किया गया है यहां पे। क्या बात है। और गाइस, राहुल सिंगदागी की ओर से ये रिक्वेस्ट कि हम जीजी की ओर से भले खेले लेकिन हमें टीम ओपी जरूर बोलिएगा, तो इसे हम टीम ओपी ही कहेंगे। जावा बॉय फौजी अजय द वन बाला, देखते हैं गाइस क्या राहुल सिंगदागी, ज्ञान ऋषभ, पीएन ब्लैकबोर्ड। राहुल सिंगदागी कमाल कर दिया, पहले राउंड को बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपने कब्जे में किया। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। टीजी के समर्थक कह रहे हैं रुकिए जरा, सबर कीजिए। अगर ज्ञान गेमिंग ने 2 राउंड जीत लिए तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा करिश्मा होगा, मेरे इस पूरे साल का अब तक का सबसे बड़ा करिश्मा होगा अगर मैं ये देखूं कि ज्ञान गेमिंग लगातार 2 मैच हरा दे। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स टीम है और ज्ञान गेमिंग के लड़के ईस्पोर्ट्स खेलते तो हैं लेकिन ये 4 खिलाड़ी आपस में कभी नहीं खेलते। ज्ञान ऋषभ ज्ञान गेमिंग ईस्पोर्ट्स से खेलते हैं, राहुल ओपी राइस्टार के साथ टीम ओपी के कप्तान हैं, ऋषभ जो हैं ज्ञान गेमिंग में बस एक सदस्य हैं, और पीएन ब्लैकबोर्ड ये वैसे तो प्रो नेशन से बट रिसेंटली ये ज्ञान गेमिंग में साइन हो रहे हैं। और इस वक्त ऋषभ डाउन, कमाल की बात है क्रोनो कैरेक्टर होने के बावजूद भी डाउन हुए थे, और एक और ग्रेनेड आने वाली है और दोनों डाउन होंगे। जी गलती कर गए थे वहां पे ज्ञान ऋषभ, देखिए बड़े चालाक हैं राहुल सिंगदागी, उन्हें पता है सबर का फल मीठा होता है। देखिए पहले बंदे को डाउन किया, बड़े चालाक हैं राहुल सिंगदागी, उन्हें अच्छे से पता है इस तरीके के मुकाबले को कैसे निकाला जाता है। अकेले रह गए हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया, राहुल सिंगदागी, राहुल सिंगदागी, राहुल सिंगदागी, और राहुल सिंगदागी ने क्वाड्रा किल कर दिया। राहुल सिंगदागी आज जस्ट डिड द क्वाड्रा किल, वाओ, द वन प्रिंस सिंह ने क्वाड्रा किल किया था और उसका जवाब क्वाड्रा किल से देते हुए यहां पे राहुल सिंगदागी, कमाल कर दिया। ज्ञान गेमिंग के लड़के धमाल हैं, कमाल कर दिया लड़कों ने। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स अनबिलीवेबल, ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने तो बवाल मचा रखा है यहां पे। आज तो ऐसा लग रहा है सर पे कफन बांध के आए हैं जीजी के लड़के, कि आज चाहे टीजी हो चाहे मर्जी वो टीम सामने आ जाए, आज तो डेडिकेटेड रहेगा ये पूरा मुकाबला ज्ञान गेमिंग को। कमाल कर दिया राहुल सिंगदागी, व्हाट अ अनबिलीवेबल क्लच। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के 4 खिलाड़ी पहुंच दिया जाए, द वन प्रिंस सिंह, माफिया बाला और जावा बॉय, क्वाड्रा किल बाय राहुल सिंगदागी, कमाल कर दिया। टीम ओपी और टीम कर्नाटका के कैप्टन राहुल सिंगदागी, कमाल कर दिया, अनबिलीवेबल राहुल। एक काफी फेमस डायलॉग है बॉलीवुड में, राहुल नाम तो सुना होगा और मुझे लगता है इस कारनामे के बाद हर कोई राहुल के बारे में भी यही कहेगा कि राहुल नाम तो सुना होगा। कमाल का मुकाबला चलता हुआ यहां पे, ज्ञान ऋषभ पीएन ब्लैकबोर्ड, जबरदस्त फटका, जबरदस्त फटका लगाते हुए राहुल सिंगदागी, और बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है आग उगल रहे हैं। राहुल सिंगदागी अपने स्नाइपर्स के जरिए आग उगल रहे हैं, एक और ग्रेनेड डाली गई। राहुल सिंगदागी कमाल के फॉर्म में, जावा बॉय, ऋषभ, ब्लैकबोर्ड डाउन हो सकते हैं। राहुल सिंगदागी, ओह व्हाट अ शॉट, राहुल सिंगदागी इज अनबिलीवेबल,
कमाल के फॉर्म में है राहुल सिंह दागी। राहुल और पीछे से आ गए जावा बॉय और इस बार मौका नहीं दिया टीजी ने। 2-1 से आगे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स दूसरे मैच में। पहला मैच जीजी जीता है, दूसरे मैच को जीतने की चेष्टा टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स द्वारा। कमाल का मुकाबला चलता हुआ यहां पे जीजी और टीजी के बीच में। #TG#GG इन द चैट गाइस। कमाल का मुकाबला गाइस अनबिलीवेबल। ऋषभ टीएसजी आर्मी से है क्या रॉकी भाई जी? एक वक्त में खेलते थे टीएसजी आर्मी में, बट अब वो आ रहे हैं जीजी में। जीजी में कई नए बदलाव, कई नए साइनिंग हुए हैं, उनमें से एक है पीएन ब्लैकबॉट और ऋषभ। तो गाइज बड़े बदलाव ज्ञान गेमिंग में और काफी सटीक बदलाव। और ये देखिए डाउन कर दिया पहले बंदे को, राहुल सिंह दागी को डाउन किया है। ज्ञान गेमिंग के सबसे इनफॉर्म खिलाड़ी डाउन हुए हैं टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के द्वारा। राहुल सिंह दागी गजब के फॉर्म में। पिछले राउंड में तो उन्होंने ऐसे स्नाइपर चलाई, मानिए स्नाइपर गॉड पहाड़ी की आत्मा आ गई हो उनके अंदर। आप में से कितने बंदे इंप्रेस हुए राहुल सिंह दागी से मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा स्नाइपर गॉड पहाड़ी तक शर्मा जाएं, क्या कमाल के स्विच हिट लगा रहे थे। कोद्रा किल किया, उसके बाद लगभग पिछला राउंड निकाल लिया था उन्होंने। देखिए ज्ञान गेमिंग की टीम को सब्र रखने की जरूरत है, उन्हें पता है राउंड जीत सकते हैं, उन्हें अच्छे से पता है बड़ी शक्तिशाली टीम है। देखिए डाउन कर दिया गया है ज्ञान ऋषभ अंदर घुसे। ज्ञान ऋषभ शक्तिशाली, ज्ञान ऋषभ द वन प्रिंस सिंह और फौजी अजय अपने मूवमेंट के चलते अभी बचे हुए हैं। जी गाइस भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक फौजी अजय। ऋषभ ज्ञान ऋषभ डाउन। अब ये मुकाबला 2v2 चलता हुआ, ब्लैक बॉट और ऋषभ का मुकाबला। ऋषभ यहाँ पे डाउन, ब्लैक बॉट बिल्कुल अकेले फौजी अजय और प्रिंस सिंह के सामने। बेहतरीन शॉट, फौजी अजय डाउन। कमाल कर दिया ब्लैक बॉट ने कमाल कर दिया, 2-2 की बराबरी। ज्ञान गेमिंग क्या खेल रही है यार, अनबिलीवेबल गाइस। ये काफी शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि टीजी एक बेहतरीन टीम है नो डाउट ऑन पेपर। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ज्ञान गेमिंग की इस टीम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, FFIC चैंपियन है टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स एक वक्त के, और इनका मुकाबला करना सराहनीय ज्ञान गेमिंग के लिए। लेकिन मुकाबला ही नहीं, इन्होंने तो पहला राउंड भी जीत लिया और दूसरे मैच में भी नाक में दम कर दिया है। जीजी के लड़कों ने कमाल कर दिया है। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स दबाएं। जी हां भाई और बहनों, अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाएं। राहुल ऋषभ और यहां पे ऋषभ के ऊपर हमला, राहुल सिंह दागी दोबारा से डाउन। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स दोबारा से लीड लेने की चेष्टा करेगी। जावा बॉय से ग्रेनेड आई, बाल बाल बच गया जावा बॉय बाल बाल बचे। राहुल सिंह दागी अभी तक नॉकडाउन पड़े हैं, राइट हैंड साइड से डैमेज आता हुआ। बाल बाल बचे पीएन ब्लैकबॉट, ऋषभ के सामने खत्म हो गए राहुल। ऋषभ भी डाउन, ज्ञान ऋषभ वन टैप की कोशिश, बहुत ही बढ़िया शॉट। और यहां पे टीजी ने मारी बाजी, 3-2 से आगे। फाइनली टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की कमबैक, क्या बात है, मजा आ गया। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहां पे टीजी और जीजी के बीच में, ये गजब का मुकाबला चलता हुआ गाइस। जितने भी भाई लोग देख रहे स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, बुलाइए टीजी और ज्ञान गेमिंग के बीच का ये जो कमाल का मुकाबला है, जहां पे टीम ओपी की ओर से राहुल सिंह दागी ऋषभ आए हैं और ज्ञान गेमिंग गिल्ड से आए हैं ज्ञान ऋषभ। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं गाइस, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाएं। और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए वो जो थम्स अप वाला बटन है उसको पर क्लिक करके फ्रैक्स लाइक कर दो, क्योंकि इस मैच का टोटल लाइक टारगेट होगा 21,000 से ज्यादा लाइक। जी गाइस, क्या 2 मैचेस के दौरान 21,000 लाइक टारगेट पूरे होंगे? क्या 2 मैच में ही 21,000 लाइक टारगेट पूरे हो जाएंगे? लाइक करने के लिए वो जो थम्स अप वाला बटन है उसको पर क्लिक करके फटाक से लाइक कर दो गाइस। देखते हैं क्या होने वाला है गाइस।
गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, और इस बार राहुल सिंघदागी दोबारा डाउन। ईएन ब्लैकबोर्ड को थोड़ा सा अपना खेल खेलने का मौका देना पड़ेगा, ज्ञान गेमिंग को भरोसा जताना पड़ेगा पीएन ब्लैकबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ऋषभ और राहुल सिंघदागी दोनों बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। पीएन ब्लैकबोर्ड कमाल के असोल्टर हैं, क्लोज में इन्हें जाने का एक आधा मौका देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं पीएन ब्लैकबोर्ड के, मुकाबला अभी तक टटके कर रहे हैं ब्लैकबोर्ड। फर्स्ट ब्लड। और अगर आप देखें यहाँ पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स 3-2 से अभी भी आगे हैं राहुल सिंघदागी। उनके पास शॉटगन है जो इतना डैमेज तो यहां से नहीं कर पाएगी। पीएन ब्लैकबोर्ड अकेले पड़ गए हैं, क्या पीएन ब्लैकबोर्ड यहां से मैच को निकाल पाएंगे? कुछ नया करने की चेष्टा, जिस किस्म के वेपन्स हैं लगता नहीं है ड्रैग शॉट लगा पाएंगे। और राहुल सिंघदागी डाउन दोबारा से, और चलिए ऋषभ भी डाउन, और कोई मौका नहीं। 4-2 से टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स आगे। रॉकी भाई कोरोना भी हो गया है, अरे कुछ नहीं होगा रॉकी भाई को, फिक्र मत कर ब्रो। टीम ओपी वर्सेस टीजी कब होगा ब्रदर? वही चल रहा है। तो गाइज अगर आप देखें यहां पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स और ज्ञान गेमिंग के बीच में घमासान मुकाबला, पहला मैच, आई रिपीट, पहला मैच ज्ञान गेमिंग जीत चुकी है, और दूसरे मैच में 4-2 से आगे है टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स। क्या ज्ञान गेमिंग दोबारा से कमबैक कर पाएगी? क्या ज्ञान गेमिंग दोबारा से कहानी में कोई ट्विस्ट लिखा है? क्या ज्ञान गेमिंग दोबारा से कमबैक कर सकती है? यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, आप देख रहे हैं टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को, और नाइस शॉट ज्ञान ऋषभ के ऊपर, बहुत ज्यादा डैमेज आता हुआ। पीएन ब्लैकबोर्ड ये लड़का कमाल है, क्लोज में आखिर तक लड़ने की चेष्टा रखनी पड़ेगी। पीएन ब्लैकबोर्ड अगर आखिर तक पहुंच गए तो कमाल कर देंगे। देखिए ग्रेनेड गलत गई है ब्लैकबोर्ड की, और ऋषभ डाउन, ऋषभ को डाउन कर दिया गया है यहां पे। ग्रेनेड डाली गई, किल सिक्योर भी कर लिया, और राहुल सिंघदागी लेट हो गए राहुल। और क्या बात है, एक बार फिर से अकेले 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया राहुल ने, लेकिन इस बार पीछे से एक और खिलाड़ी आ गए, और ऋषभ, ज्ञान ऋषभ के पास उतने अग्रेसिव वेपन्स हैं नहीं कि क्लोज में मुकाबला कर पाएंगे। और कोई मौका नहीं, 5-2 से आगे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 5-2 से आगे। क्या बात है गाइज, गजब का मुकाबला चलता हुआ, जीजी वर्सेस टीजी का मुकाबला। पहला मैच जीजी जीत चुकी है, लेकिन दूसरे मैच में 5-2 से वापसी कर ली है टीजी ने। क्या यहां पे जीजी के लड़के वापसी कर पाएंगे, या टीजी वन साइडेडली मुकाबला जीतेगी? जी गाइज, अभी तक कई बंदे सोच रहे हैं कि काश यहाँ पे राइस स्टार हो, बट गाइज मैं अभी बोलता हूँ लिमिटेड एमओ का मैच है, मुझे लगता है राहुल सिंघदागी हमसे बेहतर राइस स्टार को जानते हैं। राइस स्टार का ना होना इनको अच्छे से समझ में आता है कि किस मैच में राई हो तो बेहतर है और किस में ना हो तो बेहतर है। इसके बाल बाल बच गए राहुल सिंघदागी। जावा बॉय का शॉट ब्लैक बॉट पे, हेडशॉट नहीं आया, किस्मत वाले थे। फौजी अजय बाल बाल बचे, और फौजी अजय बेहतरीन रश लगाते हैं, कमाल का रश लगाते हैं फौजी अजय। और इस राउंड में अगर आप देखें तो द वन प्रिंस सिंह और जावा बॉय 10 और 11 किल, कमर तोड़ दी ज्ञान गेमिंग की। टोटल गेमिंग के लड़कों ने इस राउंड में तो कहना पड़ेगा ज्ञान गेमिंग के लड़कों के कमर तोड़ दिए। प्रिंस सिंह और जावा बॉय ने तो पूरी तरीके से मजा चखा लिया, और यहां पे ऋषभ का तो बिल्कुल नेट काम नहीं आ रहा है। ऋषभ का नेट बार 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 दिक्कत दे रहा है, और ये ज्ञान गेमिंग के हार की बहुत बड़ी वजह बनेगी, ये बहुत बड़ी वजह बनने वाले हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत AWM का शॉट वहां पे प्रिंस सिंह द्वारा। 6-2 से आगे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स,
जितने भी भाई लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा गाइस। रॉकी मामू को कोरोना नहीं हो सकता, बट कोरोना को रॉकी मामू हो सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं कोरोना से नहीं डरता, कोरोना मुझसे डरती है, तभी दो दो बार मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है। और यहाँ पे ऋषभ स्नाइपर उठा चुके हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं ऋषभ। ग्रेनेड डाली गई, राहुल जावा बॉय बाला, फौजी अजय, फौजी अजय, और इस बार शॉट लगा दिया यान ऋषभ, इस बार लगा दिया शॉट। और इस बार देखिए फौजी अजय द वन बाला और जावा बॉय पूरी तरीके से तैयार। राहुल सिंगदागी और ज्ञान गेमिंग के लड़के कुछ नया अतरंगा सा चेष्टा कर रहे हैं गाइस, ये टीजी के लड़कों को थोड़ा सा चढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें नॉर्मली अगर आपको किसी पे फ्रस्ट्रेशन हो तो मारने के बाद इमोट दिखाया जाता है, ड्यूरिंग द मैच इमोट दिखा रहे हैं जीजी के लड़के। ये एक तरीके से अपने अपोनेंट को चेतावनी कि ना तो हम आपसे डरते हैं ना हमें कोई परवाह है आपकी, आप आइए दम है तो हमें मार के बताइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और नहीं 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 नहीं, ब्लैक बॉट बिल्कुल अकेले। नीचे आ गए और पीछे से हमला, 7-2 से मैच नंबर 2 जीतती है ज्ञान गेमिंग के सामने टीजी। जी गाइस 7-2 से जीती टीजी यहां पे 7-2। तो गाइस दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है, 7-2 से दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने जीता लेटेस्ट मैच। चलिए गाइस ज्ञान गेमिंग एक राउंड टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, कौन जीतेगा पता नहीं गाइस, गजब का मुकाबला। चलिए गाइस तो यहां पे सब्स्टिट्यूट, ऋषभ का इंटरनेट नहीं जा रहा, ऋषभ का इंटरनेट जा रहा था इस वजह से यहां पे सब्स्टिट्यूट आजमाया जा रहा है ज्ञान गेमिंग के द्वारा। ऋषभ की जगह किसको बुलाया जाएगा, ऋषभ की जगह किसको बुलाएगी ज्ञान गेमिंग, किसको बुलाएगी ज्ञान गेमिंग, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। क्या बात है, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स कमाल कर दिया। और जीजी में काफी डिस्कशन चलता हुआ कि किसको बुलाया जाए, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए 7-2 से जीता पिछला वाला राउंड। एक चुनौती पेश कर दी यहां पे जीजी के लड़कों को कि अब तक तो आप खुश हो रहे थे बट अब आइए मैदान में, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। और ज्ञान एसआर को बुलाया गया है, वाओ। शुरुआत करने की गुजारिश, तो शुरू करते हैं मुकाबले को। चलिए गाइस टीजी बनाम जीजी का मुकाबला मैच नंबर 3 एक बार फिर से शुरू होता है। मैच नंबर 3 टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स वर्सेस ज्ञान गेमिंग एक बार फिर से यहां पे शुरू होता हुआ। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के फौजी अजय द वन बाला और जावा बॉय, राहुल सिंगदागी, ज्ञान एसआर को मौका मिला है ऋषभ की जगह, पीएन ब्लैकबोर्ड अभी बने हुए, ज्ञान ऋषभ अभी बने हुए हैं। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स में वहीं कोई बदलाव नहीं, बहुत ही बेहतरीन कमबैक करा टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने पिछले राउंड में, धमाकेदार कमबैक, 7-2 से चारों खाने चित कर दिया जीजी की टीम को। और अब जीजी को अपनी खैर मनानी पड़ेगी क्योंकि एसआर का कोऑर्डिनेशन सेट है नहीं। देखिए एसआर ओवर एम्बिशियसली कोशिश कर रहे थे रश करने की, बट एसआर को समझना पड़ेगा बहुत ही टेंस मैच है, टीजी के लड़के भी फैले हुए हैं, आप भी फैले हुए हैं, उसमें से कोई भी अगर शुरुआत में अगर आगे जाता है तो कीमत चुकाएगा, और वही हुआ ज्ञान एसआर। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। राहुल सिंगदागी ब्लैकबोर्ड डाउन है, ऋषभ ब्लैकबोर्ड को रिवाइव दे सकते हैं अगर चाहें तो। नाइस शॉट राहुल सिंगदागी,
देखिए राहुल का एक और ग्रेनेड, अकेले रह गए राहुल और 1-0 से आगे टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स मैच नंबर 3 में 1-0 से आगे। टीजी ने कमाल का कमबैक किया है, कमाल का कमबैक किया गया है यहां पे। जावा बॉय फौजी अजय द वन बाला, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। यान ऋषभ ब्लैकबॉट एसआर और राहुल ओपी, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। फौजी अजय द वन बाला और जावा बॉय आगे बढ़ते हुए। ज्ञान ऋषभ फौजी अजय कमाल के कप्तान, द वन प्रिंस सिंह माफिया बाला, जावा बॉय टीएन ब्लैकबॉट के ऊपर हमला। राहुल सिंगदागी दोबारा से डाउन, बच नहीं पाएंगे राहुल। फौजी अजय के हत्थे चढ़ गए और ब्लैक बॉट क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन वुकोंग कैरेक्टर का इस्तेमाल किया इन्होंने। क्या यहां पे 3v3 में जीजी की टीम कमबैक कर पाएगी? क्या टोटल गेमिंग एक और राउंड की लीड लेने जा रही है गाइस? टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स बनाम जीजी, डाउन हुए जावा बॉय, कटअप का हेडशॉट, द वन प्रिंसिंग बिल्कुल अकेले, द वन प्रिंसिंग बिल्कुल अकेले रह गए हैं यहां पे। पीछे से हमला प्रिंसिंग के ऊपर और कोई मौका नहीं, ज्ञान गेमिंग ने कर ली धमाकेदार वापसी। हेलो, हेलो 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 हेलो, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड दीजिएगा गाइस, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड दीजिएगा। गलती से मेरा पांव कहीं पे लग गया, उम्मीद करता हूं मैं कमबैक कर जाऊं। द वन एंड ओनली बिग बुल, एक सेकंड दीजिएगा गाइस। First blood. लीजिए गाइज मैं वापस आ गया, सॉरी गाइज मेरा थोड़ा सा गलती से मेरा कहीं और पे क्लिक हो गया था, सॉरी गाइज मेरा गलती से कहीं और क्लिक हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, माफी चाहूंगा गाइज, गलती से मेरा कहीं और क्लिक हो गया था बट मैं दोबारा लौट आया हूं, सॉरी फॉर दिस। देखते हैं गाइज क्या होने वाला है, गजब का मुकाबला चलता हुआ यहां पे, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहां पे। इस वक्त अगर आप देखें तो ज्ञान गेमिंग 2-1 से आगे है, 2-1 से आगे हो गए। सॉरी गाइज, सॉरी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इंटरप्शन, I'm really sorry for that little bit of interruption. Right now I'm back. ठीक है, I'm really sorry. मैं वापस आ गया अब। चलिए, तो guys वापस आ चुका हूँ मैं। I'm really sorry for that. थोड़ा सा गलती से मेरा पाँव जो है लग गया था कहीं पे, but अब जो है मैं बिल्कुल तेजी से वापस आ गया हूँ गेम में।
कुछ 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, सॉरी फॉर दैट, मेरा पाँव लग गया था। राहुल, ओपी, ज्ञान, एसआर, ब्लैक बॉट और ऋषभ, देखिए बहुत ही अच्छा बैकअप दे रहे हैं यहाँ पे ऋषभ, राहुल सिंगदागी के बिल्कुल पीछे से। राहुल सिंगदागी बड़े चालाक हैं, शायद ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे राहुल, और ये बिल्कुल सही, ब्लू बॉल लगा के सटीक ऊपर गए हैं और हाइट का एडवांटेज लेने की चेष्टा करेंगे यहाँ पे। ब्लैक बॉट डाउन, ब्लैक बॉट डाउन हो गए हैं, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक बॉट खत्म। राहुल सिंगदागी के पास अभी भी हाइट का एडवांटेज, गजब का शॉट, गजब का शॉट। वापिस आ गया गाइस, मैं वापिस आ गया, फिक्र मत कीजिए मैं वापिस आ गया हूँ। नाइस शॉट, अरे भाई साहब, नाइस शॉट राहुल सिंगदागी, 2v1 माफिया बाला बिल्कुल अकेले, माफिया बाला, और गए यहां पे राहुल और ऋषभ की जोड़ी ने कमाल कर दिया, 3-1 से आगे, 3-1 से आगे जी गाइस, 3-1 से आगे। वापस आ गया मैं, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा गलती से मेरा पांव लग गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम बैक गाइज, आई एम बैक, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रीम थोड़ा डिले भी रखा है मैंने। तो गाइज 3-1 से आगे हो चुकी है ज्ञान गेमिंग की टीम मैच नंबर 3 में, मैच नंबर 3 में ज्ञान गेमिंग की टीम 3-1 से आगे हो चुकी है, और टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को वापसी की राह जल्दी पकड़नी पड़ेगी। जावा बॉय, माफिया बाला, द वन प्रिंस सिंह और फौजी अजय पूरी तरीके से तैयार हैं। राहुल सिंगदागी, ज्ञान, एसआर, ऋषभ और एसआर शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ते हुए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, गजब का मुकाबला चलता हुआ यहां पे। अगर आप देखें तो टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को एक बार फिर से कीमत चुकानी पड़ी। ब्लैक बॉट, नाइस, बहुत बढ़िया, खूबसूरत रश किया गया था प्रिंस सिंह के द्वारा, बट बहुत ही बढ़िया बैकअप राहुल सिंगदागी, राहुल सिंगदागी बचेंगे नहीं। ज्ञान ऋषभ बिल्कुल अकेले, ऊपर 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 से हमला हो रहा, और ज्ञान ऋषभ जब तक समझ पाते देर हो गई। ज्ञान ऋषभ डबल AWM लेके खेल रहे हैं, वो भी 1v3, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्लोज रेंज में AWM लेके घुसने की पराकाष्ठा, देखिए क्लोज रेंज में AWM लेके गए हैं ज्ञान ऋषभ बिना किसी डर के, जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए यहां पे। ज्ञान ऋषभ का ग्रेनेड, बात बनी नहीं, नाइस, और इस बार कोई मौका नहीं, 3-2 कमबैक करते हुए टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स। सॉरी फॉर माय बैड वर्ड्स, इट्स ओके ब्रदर, मुझे आदत है, कोई बात नहीं ब्रदर। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस, इस मैच का टोटल लाइक टारगेट होना चाहिए 28,000 से ज्यादा लाइक टारगेट, क्या बात है, क्या बात है। सचिन निब्बा रविंदर निब्बा, ये कौन है भाई, और इनको निब्बा क्यों बोल रहे हो आप, राइस्टार को बुलाओ प्लीज रॉकी भाई। ब्रदर ये ज्ञान गेमिंग के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, आप लोग प्लीज समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए मैं पहले ही आपको कमाल के कंपटीशन से पहले ही बोल चुका था कि PG वर्सेस GG होगा, लेकिन अज्जू भाई खेलेंगे कि नहीं, ज्ञान भाई या राइस्टार खेलेंगे कि नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये टीमों का अपना डिसीजन होता है, शेड्यूल किनका फ्री है किनका बिजी है इसके बारे में तो गाइज सिर्फ प्लेयर्स खुद ही बता सकते हैं, हम तो बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही पल आपको ये क्लियर कर दिया था कि देखिए खेले कोई भी, बट TG और GG का गाइज फुल समर्थन होना चाहिए, मानना पड़ेगा जीजी ने आज बहुतों का दिल जीता है, जीजी ने आज दिखा दिया कि जिस किस्म का जज्बा इन्होंने दिखाया है काबिल तारीफ, किसने सोचा था कि एक प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स टीम के सामने इस तरीके से मुकाबला करेगी। फौजी अजय फंस गए, ओ फौजी अजय
क्या बात है, सरप्राइजिंगली पीएन ब्लैकबोर्ड भी डाउन हो गए। काफी बदतरीन पोजीशन में थे फौजी भाई, कमाल के अपने एक्सपीरियंस के चलते मैंने आपको निकाल लिया और 3-3 की बराबरी। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स की धमाकेदार वापसी। नॉनस्टॉप गेमिंग कब लाइव आएंगे? बहुत जल्द, यही कोई एक आध हफ्ते बाद लाइव आ जाएंगे। फौजी अजय द वन बाला और जावा बॉय, राहुल एसआर ब्लैकबोर्ड और ऋषभ, मजाक कर रहा हूँ गाइज, नॉनस्टॉप कुछ ही दिनों में लाइव आ जाएंगे, धैर्य रखिए। कसब का मुकाबला चलता हुआ टीजी और जीजी के बीच में, ये कमाल का मुकाबला चलता हुआ। गाइज जितने भी भाई लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए गाइज, लाइक करने के लिए वो जो थम्स अप वाला, जी हाँ भाई और बहन अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाक से लाइक कर दो। इस मैच का टोटल लाइक टारगेट 28,000 से 30,000 लाइक, या 28,000 से 30,000 लाइक टारगेट पूरे होंगे मुझे लगता है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ज्ञान गेमिंग और टीजी के बीच में गजब का मुकाबला चलता हुआ। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। फर्स्ट ब्लड, मैं थोड़ा पानी मंगवा लूँ गाइस क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है मुझे, बड़ा अनईजी फील हो रहा है शायद पानी ना होने की वजह से। मैंने मैसेज कर दिया घर में, एक तो गाइज आपको पता है मैं घर में इधर उधर घूम नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जब तक 14 दिन नहीं हो जाते मैं घूम नहीं सकता घर में इधर उधर। होपफुली कोई मैसेज देख ले मेरा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मेरा पूरा जीभ सूख गया है, जुबान सूख गई है मेरी। जा बॉय फौजी अजय द वन बाला आगे बढ़ते हुए, ज्ञान ऋषभ ब्लैकबोर्ड एसआर 4-3 से आगे है इस वक्त ज्ञान गेम, और गजब का शॉट, राहुल सिंगदागी घेर लिया, मुझे लगता है डाउन है, जी बिल्कुल प्रिंस सिंह डाउन है, प्रिंस सिंह बिल्कुल डाउन है। आई थिंक मुझे डिस्कॉर्ड पे चलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिस्कॉर्ड में नहीं गया हूँ, आपको पता ही है कुछ दिनों से जो मेरी तबीयत खराब है उस वजह से जो दिक्कत हुई थी। और यहाँ पे 5-3 से दोबारा से लीड में ज्ञान गेमिंग, कमाल कर दिया ज्ञान के लड़कों ने, मजा आ गया, जबरदस्त मुकाबला, ज्ञान गेमिंग के लड़के बवाल हैं बवाल। पांच तीन हो चुका है गाइस, आप अगर देखें यहां पे 5 पॉइंट, ज्ञान गेमिंग के लड़के बवाल कर दिया है गाइस इन्होंने। क्या राहुल सिंगदागी आज सिर पे कफन बांध के आए हैं? क्या आज टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को हरा पाएगी ज्ञान गेमिंग? देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे, जबरदस्त मुकाबला करते हुए यहां पे टोटल गेमिंग, जावा बॉय फौजी अजय भाई उनके साथ द वन प्रिंस सिंह और माफिया बाला। टोटल गेमिंग का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने कहा है सामने चाहे कोई भी आ जाए आज का मुकाबला जीजी के लड़कों के नाम। क्या आज जीजी के लड़के कुल मिला के 40,000 से ज्यादा लाइक टारगेट पूरा कर पाएंगे? क्या आज 7,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे? गाइस जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इसी बात पे, वो जो लाल कलर का, जी हाँ भाइयों और बहनों अपने अपने स्क्रीन्स के ऊपर देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, एक घंटे का सिंबल आएगा उस घंटे के सिंबल के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को दबाइए। और मेरे मॉडरेटर लिंक स्पैम कर रहे होंगे इंस्टाग्राम का, अगर आपको मुझसे बात करनी है मेरे यहाँ खेलना है प्लीज टॉक विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कीजिए। डाउन किया गया है टोटल गेमिंग के लड़के भारी मुसीबत में, ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, 1v3 और 6-3 से आगे जी। क्या बात है जी, कमाल कर दिया, वाओ वाओ,
सोचो अगर राई होता तो टीजी का क्या होता, ऐसा लिख रहे हैं बंदे। बट मानना पड़ेगा गाइज, राहुल सिंगदागी और ज्ञान ऋषभ के साथ एसआर ब्लैकबोर्ड और एक और थे ऋषभ, उनको सलाम, इनके जज्बे को सलाम। देखिए गाइज, आप लोग नर्वस हो रहे होंगे जो जीजी को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार जीजी से राइस्टार नहीं खेल रहे। जरा आप सोचिए इस टीम के बारे में जो बिना राइस्टार के खेल रहे हैं और एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। इनका फाइटिंग स्पिरिट देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं जैसे इनके पास एक नहीं इनके पास दो दो राइस्टार हों। और मेरा यकीन मानिए गाइस, ज्ञान गेमिंग के पास एक नहीं कम से कम 100 राइस्टार हैं जो इस वक्त चैट में लगा रहे हैं हैशटैग जी 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 जी। ये है वो राइस्टार जो जीजी की टीम को शक्तिशाली बनाते हैं, ये है वो राइस्टार जो जीजी को किसी भी हालत में हारने नहीं देते, ये वो राइस्टार हैं जो मेंटली जीजी की टीम को इतना मजबूत रखते हैं कि आने वाली सामने की कोई भी मजबूत टीम उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। एसआर गए और इस बार ज्ञान ऋषभ बिल्कुल अकेले और 1v3 मुकाबला दोबारा से डबल ए डबल एम। ज्ञान ऋषभ शॉट अच्छा लगाया था लेकिन 6-4 से टीजी को कमबैक करने से नहीं रोक पाए, कमाल कर दिया। रॉकी भाई और कुछ दिन रेस्ट कर लो फिर स्ट्रीम करना। नहीं ब्रो, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूं। मेरा नाम है रॉकी और मेरा नाम का मतलब ही होता है पत्थर के जिगर वाला, मुझे कुछ नहीं होगा। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, बाला द वन और फौजी अजय आगे बढ़ते हुए यहाँ पे। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। फर्स्ट ब्लड, यहाँ पे मानना पड़ेगा राहुल सिंगदागी टीम ओपी के कप्तान गजब फॉर्म में, गजब खेल रहे हैं। क्या शॉटगन चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है ओल्ड स्कूल शॉटगन चल रही है इनकी। देखिए बैकअप अच्छा मिल रहा है टोटल गेमिंग से, टोटल गेमिंग से बहुत ही बढ़िया बैकअप मिल रहा है। एसआर 10 किल कर चुके हैं और इस बार राहुल भी डाउन। ब्लैक बॉट रिवाइव दे रहे हैं, कमाल कर दिया। मुकाबला 2v2 चलता हुआ, बाला और प्रिंस सिंह का मुकाबला यहां पे ब्लैक बॉट और एसआर के साथ। क्या जीत जाएंगे जीजी, क्या जीतेंगे जीजी? देखिए स्मोक लगा दिया यहां पे, वाओ स्मोक लगा दिया यहां पे। ज्ञान एसआर ने कमाल की चाल चली, ग्रेनेड डाली। ज्ञान एसआर ब्लैक बॉट डाउन। ज्ञान एसआर यहां पे 6-5 से टीजी की वापसी, 6-5 से टीजी की वापसी। कौन जीतेगा ये तीसरा बहुमूल्य मैच, कौन जीतेगा ये मैच और कौन होगा लीड में? कमाल कर दिया। आर यू ओके नाउ? यस आई एम फाइन, बस मेरा गला सूख जाता है बार बार, मैं थोड़ा प्यासा जल्दी हो जाता हूँ। अरे भाई पानी दे दो यार कोई। कोई पानी दे दो भाई, मैक्सी को कॉल करना पड़ेगा। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। मैक्सी आई नीड वाटर बैडली ब्रदर, पानी दे दो यार। हाँ पानी चाहिए मुझे, बहुत बुरी तरीके से पानी चाहिए मुझे, सूख रहा है गला मेरा। वाटर मेरे पास ही है आप। हाँ। तो गाइस देखते हैं क्या यहाँ पे जीजी वर्सेस के मैच में कौन जीत पाएगा। कैच, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। गजब का मुकाबला चलता हुआ, 6-6 की बराबरी। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स
धमाकेदार वापसी, धमाकेदार वापसी टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स द्वारा। जावा बॉय और द वन प्रिंस सिंह, कमाल कर दिया इन्होंने, 6-6 की बराबरी। क्या टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स यहां पे 2-1 से लीड ले पाएगी या ज्ञान गेमिंग 2-1 से लीड ले पाएगी, कौन जीतेगा गाइस? टीजी बनाम जीजी, धमाकेदार मुकाबला चलता हुआ यहां पे। हेलो प्रियम, हाउ आर यू? कैसे हो आप, कैसे हो? बस बस बस। अरे ये आपका अभी तबीयत कैसा? मैंने कल आपको मैसेज किया था। अरे व्हाट्सएप कुछ नहीं होगा मुझे, मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्हें कोविड अगर होता भी है तो वो पॉजिटिव नहीं होएगा कभी भी, इम्यूनिटी की वजह से। कमाल है, मुझे भी ये बात 2-2 बार टेस्ट करने के बाद पता चली है। क्या आया? दोनों बार नेगेटिव आया रिपोर्ट मेरा, 2-2 बार। अच्छा, सही है। और यहाँ पे 3v3 मुकाबला चलता हुआ टीजी और जीजी के बीच में। फौजी अजय डाउन, फौजी अजय को डाउन कर दिया गया है। देखिए गलती कर रहे हैं वहां पे एसआर, सर 12 किल कर चुके हैं। ही इज द डेंजर मैन फॉर टोटल गेमिंग। क्या टोटल गेमिंग यहां पे जीत पाएगी इस मुकाबले को? जावा बॉय और प्रिंस सिंह, और बाल बाल बच गए, ज्ञान ऋषभ थे शायद। राहुल सिंह दागी डाउन, 2v2 मुकाबला चलता हुआ। कैसे बचेंगे एसआर, कैसे बचाएंगे अपने साथी को? और भाई साहब कमाल कर दिया टीजी ने। जावा बॉय डाली गई ग्रेनेड, प्रिंस सिंह डाली गई ग्रेनेड, राहुल सिंह दागी और एसआर के ऊपर फुल प्रेशर। द वन और जावा बॉय के सामने ज्ञान गेमिंग, देखिए वुकोंग कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे जावा बॉय। थैंक यू। और यहां पे टीजी ने जीता ये राउंड, 2-1 से आगे हो गई टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स और फतेह का झंडा लगा दिया यहां पे। #TGin द चैट गाइस, टीजी टीजी टीजी, क्या बात है। 5 मैचों के राउंड में 2-1 से आगे हो चुकी है टोटल गेमिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। #TGin द चैट गाइस, #TotalGaming in the chat, कमाल खेली है Total Gaming। एक हारा हुआ मैच इन्होंने जीता, ज्ञान गेमिंग के जबड़ों से जीत को छीन कर निकाला है यहां पे Total Gaming Esports ने। और देखिए यहां पे रुको, स्किन चेंज कर रहे हैं, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। सुसु ब्रेक ओके, दोनों टीमें थोड़े से बदलाव। अभी 1-1 चल रहा है, करोगे भाई? 2-1 से आगे हो गई है टोटल गेमिंग, बेस्ट ऑफ 5 का मैच है। और मतलब आज सारा दिन अभी सारा चलता रहेगा। सरप्राइजिंगली ज्ञान गेमिंग ने टोटल गेमिंग को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें प्रियम, देयर इज नो डाउट टीजी की टीम, जी टीजी की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस किस्म से डट के ज्ञान गेमिंग ने मुकाबला करा, पहला मैच जीता, दूसरा मैच 7-2 से, और तीसरा मैच लगभग निकाल दिया था, 6-4 से लीड में थे, और 2-1 से आगे है टीजी। क्या ये मैच जीत के बराबरी करेगी ज्ञान गेमिंग 2-2 से, या फिर टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स 3-1 से इस मुकाबले को जीत के बेस्ट ऑफ 5 के इस मुकाबले को खत्म कर देगी? क्या ज्ञान गेमिंग अभी भी इनके तरकश में कोई स्पेशल तीर बचा हुआ है? मानना पड़ेगा ज्ञान एसआर ने तो आग लगा दी लड़के ने, धमाकेदार कमबैक करा था, 13 किल अकेले किए थे लड़के ने। सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं ज्ञान एसआर पूरे ज्ञान गेमिंग में, यंगेस्ट खिलाड़ी ज्ञान गेमिंग का ज्ञान एसआर। और टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के जावा बॉय, फौजी अजय, प्रिंस सिंह और माफिया बाला। और यहाँ पे एक चीज काफी शॉकिंग है गाइस, बाला जो एक गजब के स्नाइपर प्लेयर है, मैंने एक भी मैच छोड़िए एक राउंड तक में मैंने बाला को स्नाइपर उठाते देखा नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव, और ज्ञान गेमिंग ने पूरी ताकत से हमला कर दिया इस बार पूरी ताकत से हमला, कोई मौका नहीं। चौथे मैच का पहला राउंड ज्ञान गेमिंग जीती, याद रहे गाइस अगर ये मैच जीता ज्ञान गेमिंग
तो हो जाएगा शो टाइम, अब तक का सबसे बड़ा शो टाइम, टीजी बनाम जीजी क्या शो टाइम होगा या टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स इसी मैच में खत्म करेगी इस मुकाबले को। सारे बंदे हमें तो यार शो टाइम चाहिए जी, सारे बंदे सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के जबरदस्त मैचेस देखने के लिए। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाएं। चाहे आपको मैं पसंद आऊं या ना आऊं, लेकिन आप इस बात से कतई मुंह नहीं फेर सकते कि जिस किस्म के मैचेस यहां होते हैं वैसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहां पे। थैंक यू मैक्सिमस फॉर दिस वाटर, बिना पानी के तो मैं आधा हो गया था भाई। राहुल सर्दी हुआ है क्या? मुझे सर्दी नहीं हुआ है, मैं कमजोर हूं। वीक हो गया हूं मैं। अच्छा वीक हो चुके हैं। खाना पीना कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? दवा के चिकन खाइए। अरे यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कोरोना होने पे चिकन मत खाओ। मैंने कहा मेरे को कोरोना हुआ भी नहीं है, और भाई होता तो भी चिकन खाने से क्या लेना देना है भाई। अरे फौजी भाई का सटीक ग्रेनेड था, बट अच्छा सेल्फ डिफेंस वहाँ पे ग्लू बॉल लगा के। और शायद एसआर थे, नीचे जाने की गलती ना करे एसआर, रिवाइव आप हो नहीं पाएंगे। और कल कर ही दी गलती इन्होंने। क्या ऋषभ नीचे छलांग लगा के इनको बचाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऋषभ नीचे आते हैं तो वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। मेरे थोड़े समझ के बाहर एसआर को नीचे नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, जरूरत है नहीं। ब्लैक बॉट रश कर रहे हैं, ब्लैक बॉट ज्ञान गेमिंग अटैकिंग खेल रही है। ज्ञान गेमिंग ऑल ऑफ अ सडन अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, और स्ट्रेटेजी में बदलाव। ज्ञान गेमिंग सुपर अटैकिंग हो गया, ओवर कसप का हेडशॉट, लेकिन वहां पे तीन बंदों के सामने फायर पावर काम नहीं आया। राहुल सिंह दागी, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। ज्ञान गेमिंग गजब का शॉट, पहला बंदा डाउन। यहाँ पे टीजी की भी धमाकेदार वापसी, यहाँ पे एक एक की बराबरी, एक एक की बराबरी हो चुकी है गाइस यहाँ पे। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की गजब की वापसी, एक एक की बराबरी, क्या शो टाइम होगा गाइस। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। हम कैसे खेल सकते हैं टूर्नामेंट में ब्रदर? मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ चैट में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ब्रदर। ऋषभ, ब्लैकबॉट, एसआर, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स आगे बढ़ते हुए, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएं गाइस। जल्दी 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 कीजिए गाइस, गजब का मुकाबला चलता हुआ यहां पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स बनाम ज्ञान गेमिंग के बीच में। ये गजब की लड़ाई चलते हुए क्या यहां पे आज 720,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हमारे? ब्लैकबॉट दोबारा से डाउन, ज्ञान एसआर पिछले राउंड में छोटी सी गलती कर गए थे। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स कमाल के फॉर्म में है, क्या गजब के फॉर्म में है जावा बॉय और द वन प्रिंस सिंह, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। टोटल गेमिंग, ओ जबरदस्त शॉट, राहुल सिंह दागी दोबारा से, राहुल सिंह दागी गजब का रश, द वन प्रिंस सिंह को डाउन करते हुए जावा बॉय के सामने राहुल सिंह दागी। क्या जावा बॉय डाउन कर पाएंगे राहुल को? ग्रेनेड डाली गई, पतली गली से निकले राहुल सिंह दागी, बाल बाल बचे। देखिए जावा बॉय फौजी अजय और बाला को उकसाते हुए, ये देखिए गाइस टीजी माफिया बाला, शैतान का साला। जावा बॉय का हेडशॉट हुआ मिस, फौजी अजय बैकअप के लिए खेल रहे हैं, जावा बॉय डाउन। सटीक ग्रेनेड लगाई गई वहां पे, शायद ज्ञान ऋषभ का ग्रेनेड था। और गुजर, क्या बात है, क्या बात है, माफिया बाला ने अकेले तीन खिलाड़ियों को क्लोज रेंज में धराशायी कर दिया। हैशटैग टीजी इन द चैट, कमाल कर दिया बाला ने, अकेले तीन खिलाड़ियों को ले डूबे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के माफिया बाला, कमाल कर दिया बाला, कमाल कर दिया, क्या बात है। लव यू रॉकी भाई, आप ठीक हो गए? अरे मेरे को कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, बस थोड़ी सी कमजोरी है मेरे अंदर
लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मेरे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कमजोरी है मुझ में, बट कमजोर हुआ हूँ, और कुछ नहीं हुआ है मुझे। शरीर में पानी की कमी हो गई थी मेरे, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज्ञान ऋषभ को ग्रेनेड से डाउन कर दिया गया है यहाँ पे। नहीं गई ज्ञान ऋषभ को किल करते हुए। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स जबरदस्त फॉर्म में है, 2-1 से आगे है। ये मैच जीत कर इस मुकाबले को खत्म करने की चेष्टा टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के द्वारा। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। टीजी और जीजी के बीच में गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। जब ये मुकाबला शुरू हुआ था तब किसी ने इस मुकाबले का इस किस्म का अंजाम नहीं सोचा होगा। 2-1 से आगे है टोटल गेमिंग। क्या कोई करिश्मा ज्ञान गेमिंग को मुकाबले में दोबारा लाएगा? क्या ये मुकाबला जी नहीं जावा बॉय के हाथ? और भाई साहब कमाल कर दिया, बाकी बाला बिल्कुल अकेले। बाला कारनामा कर चुके हैं लेकिन इस बार कोई मौका नहीं। 3-2 से गजब की वापसी यहां पे ज्ञान गेमिंग द्वारा। जावा बॉय, फौजी, अजय, द वन प्रिंस सिंह, बाला, माफिया बाला और जावा बॉय। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स 3-2 से आगे है इस चौथे मैच में। हाउ इज योर हेल्थ भाई? मैं ठीक हूँ ब्रदर, थोड़ी सी कमजोरी छाई है और दो दो बार टेस्ट के बाद भी मैं नेगेटिव आया हूँ। बस और 2 दिन बाद मेरे 14 दिन पूरे होंगे अगर तीसरा रिपोर्ट भी मेरा नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूँ जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है जिन्हें कोविड नहीं हो सकता। विच इज जस्ट अ मिरेकल। और मैं हैरान हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ये सब आपकी दुआ और प्रार्थना का ही असर है जिस वजह से मैं अभी तक इस चीज से सुरक्षित हूं। कैसे हूं मुझे भी नहीं पता, बट शुक्रिया गाइस। इस वक्त फैमिली से दूर हूं, फैमिली को भी काफी मिस कर रहा हूं। और मेरा आज लाइव आना बनता था, मैं चाहता तो 2-3 दिन बाद लाइव आ सकता था, बट इनफैक्ट मुझे जीजी और टीजी के लड़कों ने भी बोला था, रॉकी भाई कुछ दिन और आराम कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके बुलाने पे हम वैसे ही आ जाते हैं। मैं कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने पब्लिक को वादा किया है। और जब तक मैं बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था मैं सिर्फ तभी तक लाइव नहीं किया, और जब अब मैं उठ पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे लाइव जाना चाहिए। तो थैंक यू टोटल गेमिंग एंड ज्ञान गेमिंग कि आप मेरे बुलाने पे तुरंत आ भी गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। फौजी अजय डाउन है, 2v2 मुकाबला, और राहुल सिंघा की डाउन। और यहाँ पे ज्ञान ऋषभ वन ऑन वन अगेंस्ट बाला। जी नहीं, रिवाइव दे दिया राहुल सिंघागी को। हील कीजिए, हीलिंग बैटल की जरूरत नहीं है, शायद आप रश करके हरा सकते हैं। फौजी अजय और धवन दोनों रिवाइव नहीं हो सकते, माफिया बाला ऊपर है। क्या ज्ञान ऋषभ और राहुल सिंघागी मिलकर माफिया बाला को मात दे पाएंगे? मुश्किल लग रहा है। डबल किल कर गए ज्ञान ऋषभ, और हीलिंग बैटल को तैयार। माफिया बाला बहुत चालाक, अपने एक्सपीरियंस से मैच को जीतने की चेष्टा। मेडिकेट ज्यादा है नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हीलिंग शुरू कर दी, बाला ने भी शुरू कर दी। डबल किल। और यहां पे ज्ञान गेमिंग ने बाजी मारी, क्या बात है, 3-3 की बराबरी। ज्ञान गेमिंग ने बाजी मारी, जी गाइस ज्ञान गेमिंग ने बाजी मारी 3-3 की बराबरी। हीलिंग बैटल जीते, क्या किस्मत पलटा, क्या यहां पे किस्मत यहां से घूमेगी, क्या यहां पे गाइस पासा पलटेगा, कुछ भी हो सकता है गाइस। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो थम्स अप वाला बटन है उसको क्लिक करके फटाक से लाइक करो, 40,000 से ज्यादा का लाइक टारगेट है। और गाइस जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो लाल कलर का, जी हाँ भाई और बहनों,
एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन पाइए। जी गाइस जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि 7,20,000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो जाए और रॉकी भाई आराम से जाके सो पाए। जी हाँ भाई और बहनों, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को दबा दीजिए। सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर्स और रह गए। कम ऑन पब्लिक, कम ऑन टीजी, कम ऑन जीजी, दिखा दो अपनी ताकत। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाइएगा। टीजी बनाम जीजी का ये जबरदस्त मुकाबला चलता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, अतिशय डैमेज आता हुआ। द वन फौजी अजय, माफिया बाला और जावा बॉय अभी भी मुकाबला करते हुए यहां पे। राहुल सिंह दागी द गेम चेंजर, द गेम चेंजर राहुल सिंह दागी। जावा बॉय बाल बाल बचे, राहुल सिंह दागी गजब का शॉट। राहुल सिंह दागी इस बार फौजी अजय ने बाजी मार ली। ओ कमाल कर दिया एसआर, बहुत सही टाइम पे आए एसआर ने तो कमाल कर दिया। बाला अभी तक टिके हुए हैं, सार ने सटीक टाइम पे हमला करा था। अभी भी अगर आप देखें तो मुकाबला 3v2 है, अब 2v2 हो गया। एक बार फिर से नहीं, राहुल सिंह दागी बिल्कुल अकेले। राहुल सिंह दागी नहीं, यहाँ पे 4-3 से आगे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स। टीजी रखो हौसला राइस्टर। अरे भैया आप अभी तक जिंदा हो, चैनल का आईडी पासवर्ड दे दो, जस्ट अ जोक। अरे भैया मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो गाइस, मेरा नाम रॉकी है और मेरे ऊपर लाखों बंदों का प्रार्थना और आशीर्वाद जुड़ा है, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होगा। अगर इतना बीमार रहने के बावजूद भी मैं 2-2 बार नेगेटिव आया हूँ, और अगर और 2 दिन बाद मेरा रिपोर्ट निकाला जाता है दोबारा से RT-PCR का और वो भी नेगेटिव आता है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिनका इम्यूनिटी इतना अच्छा है जिसे कोविड नहीं हो सकता। ओरे भाई साहब, पहले एक ग्रेनेड से, ओरे चलिए यहाँ पे 5-3 से आगे हो गई है टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स जीत से सिर्फ 2 कदम की दूरी पे, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स 2 राउंड और जीती तो जीत जाएगी यहाँ पे। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स जबरदस्त फॉर्म में है। मैंने आपको इंस्टा पर मैसेज किया है, देख लीजिए, एसके नदीम नाम से। ओके एसके नदीम अंजुम, ओके जरूर देखेंगे ब्रदर। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिसको भी मेरे से बात करना है या हमारे यहाँ खेलना है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं चैट पे लगातार दे रहा हूँ, और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स दबाओ ताकि आप नोटिफिकेशन पाओ। और कमाल कर दिया बाला दोबारा से अकेले, और यहाँ पे 5-4 से जीजी की वापसी। कमाल का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। राइज स्टार के बिना मजा नहीं आता रॉकी भाई, मेरे भाई क्या बात कर रहे हो गाइज, आप लोगों को अभी भी लगता है राइज स्टार के बिना मजा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो, जरा सोच के देखो बिना राइज स्टार के जीजी की टीम कितना बढ़िया खेली, क्या बात कर रहे हो आप मेरे भाई, दिस इज अनबिलीवेबल यार, आप तो निराश करने वाली बात बोल रहे हो भाई। आई अंडरस्टैंड राइज स्टार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर, बट यार ये बोल के आप जीजी के लड़कों का जो कॉन्फिडेंस है वो गिरा रहे हो यार, बात मजे की नहीं है, बात सपोर्ट की है मेरे भाई। आपके पास जीजी की एक अच्छी टीम है जिन्होंने टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स प्रीवियसली FFIC चैंपियंस को फंसा दिया, कितना बढ़िया खेल रहे हैं देखिए, और टीजी के लड़के भी कमाल हैं। और यहां पे देखिए AWM का फटका पड़ा है, शायद ज्ञान ऋषभ थे जिन्होंने AWM लगाई नहीं है, और राहुल सिंह दागी को हेडशॉट लगा दिया बाला ने, खूबसूरत शॉट बाला, लेकिन पीछे से बैकअप धुरंधर बैकअप दिया गया ब्लैक बॉट डाउन ग्रेनेड से। ज्ञान एसआर, ओह माय गॉड,
ज्ञान गेमिंग हैज मेड अ ट्रायम्फिक कमबैक, 5-5 की बराबरी। क्या शो टाइम कर पाएंगे? ज्ञान भाई स्काई लॉर्ड के गिल्ड मेंबर हैकर के साथ पुश कर रहे हैं, प्रूफ भी है। ब्रदर देखो, अगर आपके पास प्रूफ है तो या तो आप ज्ञान भाई से जाके बात करो, या तो किसी न्यूज चैनल वाले से जाके बात करो, या खुद स्काई से जाके बात करो। मैं क्या कर सकता हूँ ब्रदर, मैं तो छोटा मोटा कास्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जावा बॉय बजा, यहाँ पे जावा बॉय डाउन, जावा बॉय डाउन। बाला बचा लेंगे जावा को। जी नहीं, ये क्या, यहाँ पे तो बाजी पलट रही है, बाजी पलट रही है। अगर एसआर ने यहाँ पे कमार कर, ओ माय गॉड, नहीं, जावा बॉय बिल्कुल अकेले, जावा बॉय बिल्कुल अकेले। ज्ञान गेमिंग अपने इतिहास का सबसे जबरदस्त गेम प्ले दिखाते हुए, ज्ञान गेमिंग के लड़के अपने अब तक का सबसे जबरदस्त गेम प्ले दिखाते हुए। ग्रेनेड डाली गई, क्या रिवाइव दिया जाएगा ब्लैक बॉट को? बिल्कुल दिया जाएगा। जावा बॉय बिल्कुल अकेले, 1v3 मुकाबला, क्लोज रेंज में पहुंच गए जावा, रिवाइव होने का मौका दिया। ओ एसआर यहां पे नहीं बच पाए। पीएन ब्लैक बॉट, ओ यहां पे पीएन ब्लैक बॉट बनाम जावा, कमाल कर दिया। ज्ञान गेमिंग 6-5 से लीड में, ये तो कमाल हो गया। ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने बवाल कर दिया। रॉकी भाई, मैं आपके लिए रोज मस्जिद में दुआ करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया मियां, दुआओं में याद रखिएगा। ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ ही है जिस वजह से मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और इंशाल्लाह कभी कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जिसको इतना प्यार मिलता है रोजाना, इतनी दुआएं मुझे रोज मिलती हैं, मुझे नहीं लगता मुझे कभी कुछ होगा। थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार देने के लिए। और मेरी एक दिली तमन्ना है गाइज कि अगर मुझे कभी कुछ होता भी है खुदा ना खास्ता, तो कास्टिंग मैं तब भी करता रहूं। और यहाँ पे टीजी के दो खिलाड़ी डाउन है गाइज। चलिए पहला रिवाइव हो गए, टीजी के दो खिलाड़ी डाउन थे। हाँ? जावा बॉय बिल्कुल अकेले और कमाल कर, छे की बराबरी। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है जीजी और टीजी के बीच में ये जबरदस्त लड़ाई। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, 40,000 का जो लाइक टारगेट था वो पूरा होने वाला है। वो जो थम्स अप वाला बटन है उसको पर क्लिक करके फटाक से लाइक कीजिए। और टीजी ने दोबारा से कमबैक करके मैच को अपने कब्जे में ले लिया है, और जीजी अब तो कोई करिश्मा ही इन्हें जिता सकता है। अगर जीजी ने यह मैच जीत लिया तो कमाल हो जाएगा, 2-2 की बराबरी, जो मुझे लग नहीं रहा है इतना आसान होने वाला है, क्योंकि टीजी कसम के फॉर्म में। जी नहीं, रुकिए जरा, ये क्या, द वन प्रिंसिंग डाउन, ये तो कमाल हो गया। माफिया बाला अभी भी टिके हुए हैं। फौजी अजय, जावा बॉय, राहुल सिंह दागी, ग्रेनेड डाली गई। हमला, ज्ञान एसआर, जावा बॉय और फौजी अजय, 2v3। फौजी अजय, जावा बॉय, फौजी अजय गिर गए, फौजी अजय डाउन। क्या करिश्मा हो सकता है गाइस यहां पे। जावा बॉय 1v3, क्या ज्ञान गेमिंग 2-2 से मुकाबले को जीत जाएगी? क्या शो टाइम हो जाएगा? ओ माय गॉड, हैशटैग OMG इन द चैट गाइस, कमाल हो गया। जीजी के लड़कों ने तो लगभग लगभग मेला लूट लिया।
क्या ये हो सकता है? गलती कर रहे हैं एसआर, जल्दबाजी ना करें, जाबा को नीचे आने दें। गलती कर रहे हैं बार बार। जाबा बॉय, आ यहाँ पे ज्ञान गेमिंग जीती। गाइस ज्ञान गेमिंग यहाँ पे जीती। ज्ञान गेमिंग ने 2-2 की बराबरी कर ली। ओ माय गॉड, इट्स टाइम, इट्स शो टाइम बेबी, #showtime, #showtime, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं खुद लगाऊंगा #showtime, #showtime, गाइस, #showtime, 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 क्या बात है। खड़े होकर मैं दोनों टीमों के लिए, जीजी और टीजी, मैं दोनों टीमों के लिए तालियां बजाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीजी और जीजी, कमाल कर दिया आपने। पब्लिक का फुल पैसा वसूल, शो टाइम, ज्ञान गेमिंग और टोटल गेमिंग पूरी तरीके से तैयार। क्या बात है, तो गाइज अब जो सबसे बेस्ट होगा वही जीतेगा। टीजी बनाम जीजी, इट्स शो टाइम, मुकाबला शुरू होता है अब। शो टाइम कर दिया ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने, कमाल कर दिया। बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पे। टोटल गेमिंग ने जीते 2 मैच जीते ज्ञान गेमिंग के लड़कों ने, कमाल कर दिया। टीजी और जीजी फुल पैसा वसूल, टोटल गेमिंग के लड़के कमाल हैं, जीजी के लड़के धमाल हैं, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल दो तरफा मुकाबला, मजा आया। एक तरफा मुकाबला देखना किसी को पसंद नहीं, और आज तो दो तरफा मुकाबला देखने मिला है, मजा आ गया। ज्ञान गेमिंग और टीजी नजर ना लगे, क्या खेले हैं लड़के आज। टोटल गेमिंग से तो द वन प्रिंस सिंह और जावा बॉय ने झंडे गाड़ दिए टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स के, लेकिन मानना पड़ेगा यंग सेंसेशन ज्ञान गेमिंग से 13 वर्षीय ज्ञान एसआर लगातार किल्स की झड़ियां लगाई इस यंग लड़के ने, और जीजी को जीत की कगार तक ले गए। और राहुल सिंगदागी, इनकी कप्तानी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। इनके टीम का नाम ओपी है, और मैं कहना चाहूंगा ये खेलते भी बिल्कुल ओपी हैं, कमाल कमाल खेले हैं। और ये देखिए जावा बॉय डाउन है, बाल बाल बच गए जावा बॉय, राहुल सिंगदागी, और राहुल सिंगदागी के ऊपर हेडशॉट, राहुल सिंगदागी के ऊपर बहुत ही प्यारा हेडशॉट लगाया वहां पे फौजी अजय ने, कसब का हेडशॉट लगाते हैं फौजी भाई। या बाला, यहां पे प्रिंसिंग डाउन हो गए देखिए जावा बॉय और फौजी अजय, ओ फंस गए सर। ब्लैक बोर्ड पे अब कैमरा जाएगा क्योंकि अकेले रह गए हैं, गलती कर गए, कोई मौका नहीं। 1-0 से आगे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, लास्ट मैच हो रहा है गाइस, द फाइनल राउंड, द फाइनल मैच। कौन जीतेगा, टीजी और जीजी के बीच में पसीने छुड़ा देने वाला मैच। फुल पैसा वसूल, सारे बंदे लिखिए #showtime #पैसा वसूल। टीजी और जीजी दोनों के समर्थकों के पैसा वसूल। लव यू टू ऑल द सपोर्टर्स ऑफ टीजी एंड जीजी बोथ। गजब का फैन सपोर्ट रहा, और गजब का मुकाबला दोनों तरफ, टीमें बराबर खेली, समर्थन भी दोनों तरफ बराबर, और अब इनमें से कोई एक ही जीतेगा। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स हालांकि अब भी ऑन पेपर काफी मजबूत शक्तिशाली टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, लेकिन उनके सामने एक ऐसी टीम जिनका जज्बा, जिनका नाम पूरे सर्वर पे जाना माना, द ज्ञान गेमिंग। और यहां पे राहुल सिंगदा की गलती कर गए, जल्दबाजी कर दी राहुल ने, कुछ नया करने की चेष्टा कर रहे हैं।
राहुल के पेट में गुदगुदियां राहुल महसूस कर पा रहे हैं उस जीत के स्वाद को। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप टीजी की टीम को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, एफएफआईसी चैंपियंस हैं। जीजी के लड़कों को अपने होश ठिकाने रखने पड़ेंगे। और दातब का हेडशॉट ऋषभ, क्या शॉट खेला है, अनबिलीवेबल ऋषभ। और वहां पे टीजी के लड़कों ने बड़ी ही बेरहमी से रश करके ऋषभ को चारों खाने चित कर दिया। 2-0 से लास्ट राउंड में आगे हो चुकी है टीजी, कमाल कर दिया टीजी। ज्योति वाईटी कल शाम को फ्री कमाल कर दिया गाइज, दोनों तरफ क्या ही मुकाबला चल रहा है गाइज, गजब का मुकाबला चलता हुआ टीजी बनाम जीजी के बीच में ये भक्सक मुकाबला, पैसा वसूल कंपटीशन। गाइज क्या लगता है आपको, क्या 50,000 लाइक टारगेट पूरे हो सकते हैं? पब्लिक से मेरा सवाल है, क्या 50,000 लाइक टारगेट पूरा हो सकता है? क्या आज 7,20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकते हैं? जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स दबा दीजिए। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं और 10,000 लाइक टारगेट और बचा हुआ है। क्या 10,000 लाइक टारगेट और होगा? क्या आज 50,000 लाइक पूरे होने वाले हैं? ये क्या, जब भी लगता है ज्ञान गेमिंग पीछे हट रही है उसी वक्त वापसी कर लेते हैं जीजी के लड़के। फर्स्ट ब्लड कर दिया गया है, जावा बॉय गए और पाला के ऊपर हमला। ये तो कमाल कोऑर्डिनेशन में खेल रहे हैं। देखिए अकेले यहां पे द वन प्रिंसिंग रह गए हैं और इस बार कोई हीलिंग बैटल नहीं होगी, 4v1 है। बेरहमी से रश करके मारा जाएगा प्रिंस सिंह को, लेकिन प्रिंस सिंह की भी शॉटगन आग उगल रही है। भाई बहुत बढ़िया, और ट्रिपल किल कर दिया गया ज्ञान ऋषभ, बहुत ही बेहतरीन। 2-1 से वापसी करते हुए ये फाइनल राउंड, फाइनल मैच, जीजी बनाम टीजी। पूरा जोश दिखा दीजिए चैट में जी गाइस, पूरा जोश दिखाइए चैट में। टोटल गेमिंग और ज्ञान गेमिंग के बीच में अब ये मैच नर्वस मूवमेंट्स में। जी गाइस नर्वस मूवमेंट्स, पेट में गुदगुदियां, टीजी और जीजी दोनों के हाथ फूले हुए हैं। इस वक्त आप महसूस कीजिए, इस वक्त जो खिलाड़ी खेल रहे होंगे उनके हाथ में डिवाइस कहां पर होगा। एक बड़ा मुकाबला अपने अंत की ओर। क्या जीजी और टीजी के बीच में कोई अभी भी ट्विस्ट लिखा हुआ है? द वन प्रिंसिंग दोबारा से डाउन, एक बार फिर से क्या कोई करिश्मा लिखा हुआ है इस मुकाबले में? जावा बॉय फौजी अजय पूरी जान लगाते हुए, जावा बॉय दोबारा से डैमेज हुए, लेकिन जाते जाते जावा ने वहां पे पीएन ब्लैकबोर्ड को शहीद कर दिया। बड़ा गजब का काम करते हैं जावा, टीम में इनका काम बहुत ही अच्छे असोल्टर का है। ओ, राहुल सिंगदागी ने रिस्क नहीं लिया, उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी विजिबल थी। और ये देखिए जावा बॉय क्या सटीक ग्रेनेड, गजब का कोऑर्डिनेशन है टोटल गेमिंग का। और यहां पे टोटल गेमिंग 3-1 से आगे, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स 3-1 से आगे फाइनल मैच में। गजब का मुकाबला चलता हुआ गाइस, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, दिखा दीजिए अपना सपोर्ट। 50,000 लाइक का टारगेट आज खत्म कर दीजिए, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ठोक दो लाइक। राहुल सिंगदागी कोई बड़ा बड़ा करिश्मा दिखाना पड़ेगा राहुल, अब तक जो तुमने नहीं दिखाया पूरे भारतीय सर्वर में, कुछ ऐसा बड़ा कारनामा करके दिखाना पड़ेगा राहुल। और टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स स्टिक्स टू द बेसिक, अपने कोऑर्डिनेशन पे भरोसा, और टोटल गेमिंग के सामने जीत का रास्ता बहुत ही आसान। 3-1 से फाइनल राउंड में आगे है, लेकिन देखिए टीजी के लड़कों को कड़ी टक्कर दी है। टीजी के लड़के फैल हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं टीजी के लड़के, उन्हें समझ में आ गया कि इतना आसान होगा नहीं। ओ फौजी अजय को डाउन किया है, कोऑर्डिनेशन बहुत ओ 116 का डैमेज आया, बाला भी वहां पे रश कर गए। और ये क्या ब्लैक बोर्ड गए, द वन प्रिंस सिंह और जावा बॉय, ये हैं डेंजर मैन टोटल गेमिंग के। राहुल सिंह दागी तुरुक का इक्का, क्या राहुल पासा पलटेगा या जावा बॉय एक बार फिर से सक्षम साबित होंगे? देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड लगाते हैं जावा, जावा के ग्रेनेड का कोई सियानी नहीं।
और यहाँ पे सटी ग्रेनेड, जैसा सोचा वैसा ग्रेनेड लगाया। वहां पे क्रोनो कैरेक्टर लगाया नहीं, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। और कोई मौका नहीं, 4-1 से आगे हो गई टोटल गेमिंग। जावा बॉय चेंज द मैच सिनेरियो इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। कांग्रेचुलेशंस टू टोटल गेमिंग। गजब का ग्रेनेड, गजब का पासा पलटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजब का मुकाबला चलता हुआ। जल्दी 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 लाइक करो गाइस, 50,000 लाइक टारगेट। आने दो आने दो आने दो, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाक से लाइक कर दो गाइस। राहुल, ज्ञान ऋषभ, ब्लैक बॉट, एसआर, जावा बॉय, फौजी, अजय, द वन ट्विन सिंह, बाला। आगे बढ़ते हुए टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। और गाइस सारे बंदे आ जाइए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए मुझे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस, ताकि आपको भी यहाँ खेलने का मौका मिले। याद रहे इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो करना है, ताकि मेरे आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले, आपको सबसे पहले पता चले और आप रजिस्टर करके खेल पाए। जी गाइस जल्दी से जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरे मॉडरेटर्स लगातार जो है इंस्टाग्राम का लिंक स्पैम करते हुए, मॉडरेटर्स दोबारा से स्पैम कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अब अगर कमेंट आता है तो मैं उसको पिन भी कर रहा हूं। जल्दी कीजिएगा इस गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। जितने भी बंदे देख रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी, 50,000 लाइक के करीब है हम लोग। बाला डाउन है यहाँ पे। क्या ज्ञान गेमिंग यहाँ पे टीजी के सामने कोई कमबैक कर पाएगी? और गजब का शॉट लगाया है प्रिंस सिंह ने, और उतना ही बिल्कुल दड़ियल तरीके से मारा है एसआर ने। कोई करिश्मा ही होगा जो ज्ञान गेमिंग को यहां से कमबैक करा पाएगा, क्योंकि टोटल गेमिंग फुल फॉर्म में है और ज्ञान गेमिंग से ज्यादा किल भी करें मैच में। कोई करिश्मा ही है या फैंस का सपोर्ट या कोई जोश ही है जो शायद जीजी को जोश दिला दे, और कोई यू नो एड्रेनलिन कैन मेक यू डू स्टूपिड थिंग्स, कोई ऐसा काम हो जाए। क्योंकि उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता टीजी जिस किस्म के फॉर्म में है, जीजी की टीम तक पहुंच पाएगी। लेकिन कुछ भी संभव है गाइज। किसने सोचा था इस मुकाबले से पहले कि जीजी और टीजी 2-2 की बराबरी पे फाइनल मैच खेलेगी, और अभी भी अगर आप देखें लगभग लगभग मुकाबला बराबरी पे है। ज्ञान एसआर तो ऐसे रश कर रहे हैं मानो किसी से डरते नहीं है, ऐसे रश कर रहे हैं ज्ञान एसआर जैसे किसी का खौफ नहीं है इन्हें। क्या खेल रहा है एसआर, बेखौफ होके खेल रहे हैं। ओह क्या बात है, कमाल कर दिया ज्ञान एसआर, तुम कमाल हो। ज्ञान गेमिंग का 13 साल का यंग सेंसेशन, और राहुल सिंह डागी कर गया बहुत बड़ी गलती। 5-2 से आगे हो गई टीजी। टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स अब आगे बढ़ते हुए 5-2 से, बहुत बढ़िया मुकाबला चला। अब तो मानोगे ना कि राई होना चाहिए था? नहीं ब्रदर, मैं अभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि गाइज देखिए आप लोग हमेशा इफ्स एंड बट्स पे ध्यान देते हैं। ऐसे तो गाइज मैं आपको क्लियर बताऊं, राइट स्टार लिमिटेड एमओ खेलते ही नहीं है। राइट स्टार को इस किस्म के कस्टम की आदत ही नहीं है जिसमें ग्रेनेड आती हो, ठीक है, वो अनलिमिटेड एमओ खेलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि राइट स्टार जो आप सोच रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते वो वीक पॉइंट साबित हो सकते थे, ठीक है। और आप ये देखिए जीजी की टीम कोई कमजोर नहीं खेली है, टीजी के सामने 2-2 की बराबरी करना कोई मजाक नहीं है गाइज। और अभी भी अगर आप देखें डट के मुकाबला कर रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हो गाइज। एक आधा राउंड टीजी जीतती आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, या एक आधा राउंड जीजी जीतती आप लोग बोलते हो भाई क्या कर रहे हो, आप सिर्फ जीजी को बोल रहे हो। बहुत आप लोगों में पेशेंस बहुत कम है गाइज, पेशेंस रखिए गाइज, अपने आप पे सब्र रखिए, भरोसा रखिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये बिल्कुल ना सोचे कि वाकई में खत्म हो गया है। इट इज नॉट ओवर व्हेन इट्स एक्चुअली ओवर। जब तक वाकई में खत्म ना हो जाए बिलीव ना करिए किसी भी चीज को। नेट डाली, बाल बाल बच गए। और भैया क्या मैच में ट्विस्ट बचा है अभी भी। बाला, फौजी, अजय,
राहुल सिंघा की डाउन है, ब्लैक बॉट और पासा पलटा बाला, अरे गजब का शॉट बाला, जा बॉय को रिवाइव देते हुए बाला, बाला बाला बनाम ऋषभ, यान ऋषभ, यान ऋषभ, यान ऋषभ, ज्ञान ऋषभ, कमाल कर दिया ज्ञान ऋषभ, क्या बात है, 5-3 मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, ना 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 ना, कांटे की टक्कर है, मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्या बात है, अभी भी कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है जीजी बनाम टीजी में। राहुल सिंह दागी, क्या कोई वापसी का रास्ता है, क्या फौजी अजय इस मुकाबले को यहीं खत्म करेंगे, ओह माय गॉड, डाउन कर दिया गया और लीजिए बाला भी खत्म, चावा बॉय बहुत ही बेहतरीन शॉट, चावा बॉय भी डाउन, फौजी अजय अकेले, फौजी अजय, ओह माय गॉड, ज्ञान गेमिंग 5-4, व्हाट गाइस, दैट इज अ बिग ट्विस्ट इज कमिंग, ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो सकता है अगर जीजी ने वापसी कर ली, कमाल कर दिया गाइस, पासा पलट रहे हैं यहां पे बारी बारी, कभी इधर कभी उधर, और अगर 5-5 की बराबरी हो गई तो कमाल ही हो जाएगा, टीजी और जीजी के बीच में ऑलरेडी दोनों टीमें दो दो मैचेस जीत चुकी हैं, अविश्वसनीय लड़ाई, राहुल सिंघागी अतिशय डैमेज हो गए, जावा बॉय, फौजी अजय, द वन प्रिंस सिंह और माफिया बाला, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की कमान और टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स और ज्ञान गेमिंग के बीच में यह मुकाबला, फुल पैसा वसूल मुकाबला टीजी और जीजी के बीच में, ऐसा वसूल मुकाबला हुआ है, एंड राहुल सिंघागी को डाउन कर दिया, सटीक शॉट जवाब बॉय, बहुत ही प्यारा शॉट, देखिए फौजी अजय आगे बढ़ते हुए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे, गजब का मुकाबला चलता हुआ, और यहां पे टीजी 6-4 से आगे, 6-4 मैच पॉइंट तक पहुंच गई टोटल गेमिंग मैच पॉइंट तक पहुंची, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स मैच पॉइंट तक पहुंच गई, मैच पॉइंट तक पहुंची टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, क्या बात है, टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स जीत के बहुत करीब, ग्रेनेड सटीक और डाउन 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 डाउन, बहुत ही सटीक ग्रेनेड, जावा बॉय प्यारा ग्रेनेड लगाते हैं, फौजी अजय पहुंचे, और इसी के साथ ही टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया, हैशटैग टोटल गेमिंग इन द चैट, बहुत खूब लड़े ज्ञान गेमिंग, लेकिन मानना पड़ेगा टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने फाइनल मुकाबला 7-4 से जीत लिया, बहुत बढ़िया, आई वुड लाइक टू गिव स्टैंडिंग ओवेशन टू बोथ ऑफ द टीम्स, वेल प्लेड टोटल गेमिंग, वेल प्लेड ज्ञान गेमिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट, मुबारक हो हैशटैग टोटल गेमिंग, मुबारक हो टोटल गेमिंग को जो जीते, और बस ढेरों बधाइयां यही कहना चाहूंगा मैं, चलिए तो
अब आईडी पासवर्ड दिया जाएगा नाइट हॉक्स को। तो गाइस जीजी बनाम टीजी का मुकाबला यहीं समाप्त। ढेरों 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 बधाइयां टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की टीम को जिन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया। कांटे की टक्कर थी जीजी और टीजी के बीच में, एक बेहद संगीन लड़ाई चली, लेकिन टीजी के लड़कों ने तो भैया कमाल कर दिया। देखते हैं कस्टम चैट में दोनों टीमों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। मुबारक हो टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स, जबरदस्त एक अविश्वसनीय मुकाबला जीता टोटल गेमिंग। लेकिन मानना पड़ेगा ज्ञान गेमिंग के लड़के बहुत जबरदस्त खेले। गाइस ज्ञान गेमिंग की ओर से रिप्लाई आ रहा है कि हम आरसी भी हैं, हम फाइनल में जाके हार गए। राहुल इज एज फनी एज ऑलवेज। ओ भाई, तो गाइस अब दिल से नाइट हॉक्स आ रही है, नाइट हॉक्स आ रही है, तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। जावा बॉय एंड फौजी अजय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अब आ रहे हैं यहाँ पे दिल से नाइट हॉक्स। एनएचके की एक टीम को मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया खेले टोटल गेमिंग, ढेरों बधाइयाँ, ढेरों 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 बधाइयाँ गाइस। टोटल गेमिंग और ज्ञान गेमिंग दोनों बढ़िया खेले, लेकिन टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स हैज बीन प्रूवन द सुप्रीमेसी। वेल प्लेड। Very well played and देखते हैं guys अब क्या होने वाला है, क्योंकि guys अब जो है वो मुकाबला होगा NHK का। Night Hawks को मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए guys अब आपने भारत की दो बेहतरीन टीमों का मैच देखा, और अब मैं भारत की ओर से एक अंडरडॉग टीम को भेज रहा हूँ। बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले। अच्छा मुकाबला था, दोनों टीमों ने काफी एंजॉय किया। सर दो राउंड हारने के बाद भी हौसला नहीं हारा टीजी, इसलिए हम टीजी के फैन हैं और हमें 9 साल के ऑडियंस बोलते हैं। भाई देखो, अगर आप 9 साल के भी हो तो भी इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको अपना टीम चुनने का, आप जिसको सपोर्ट करते हैं किसको सपोर्ट करेंगे वो चूज करने का आपको राइट है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कई बंदे आके पूछते हैं रॉकी भाई क्या हम उस यूट्यूबर को देखें, रॉकी भाई ये टीम कैसी है। देखो एक चीज बताता हूँ गाइस, आपको जो चीज सही लगती है वो आप करो। मैंने कभी नहीं बोला भाई तुम उस यूट्यूबर को क्यों देखते हो, भाई तुम उस यूट्यूबर को क्यों देखते हो। मैं कौन होता हूँ आपको डिक्टेट करने वाला। आप सब्सक्राइबर हो, आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो तब बोल के मेरी थोड़ी बहुत औकात है, मेरे को कुछ बंदे पहचानते हैं, है ना, वरना इसके अलावा मेरी औकात क्या है भाई। सिंपल सी बात है, हु एम आई सपोज टू टेल एनीवन कि आपको क्या सपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं। जो टीजी को सपोर्ट करता है वो टीजी को करे, जो जीजी को करता है जीजी को करे, जो टीएसजी को करता है टीएसजी को करे, कोई इलीट को करता है कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप जो भी हैं जैसे भी हैं, आपको बिल्कुल सही जो है नॉलेज है गेम की, ठीक है। एंड कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि गाइज आप ऑडियंस हैं, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है अपना सपोर्ट करने का जिसको आप चाहें।
ये कौन है भाई? चलिए गाइस, बांग्लादेश की टीम नहीं आ पा रही है तो इंडिया की ही एक टीम को मौका दे देते हैं। नाइट हॉक्स के यंग लड़कों को मौका दे रहा हूं आज मैं। टीजी और जीजी का जबरदस्त मैच रहा और अब देखते हैं नाइट हॉक्स क्या कमाल कर पाते हैं। देखते हैं गाइस क्या होगा। गुड इवनिंग रॉकी भाई, हाउ आर यू? अरे ओए भाई, आई एम फाइन। अरे अल्फा तो यहीं बैठा है। लॉल, मैं टीम ढूंढ रहा था। छे हाँ रॉकी भाई, बताइए। तो बोला नहीं भाई, मैं टीम ढूंढ रहा हूँ। हम सोच रहे हैं, टीम एक्टिव है वैसे फिलहाल तो। अरे यार, मैंने किसको आईडी पासवर्ड दिया पता नहीं। क्या अगर आईडी पास दीजिएगा क्या रॉकी भाई? करते हाँ मैसेज करो मेरे को। हैं अभी आप खिदमत हाजिर। आपने पैंथोमोकिन को आईडी पासवर्ड दिया था? फैंटम 14 को मैंने दिया था। फैंटम 14 बोले कि 10:30 को उनका कोई टूर्नामेंट है। मैसेज कर दिया रॉकी भाई। मुझे वो भाई साहब का क्या नाम था, जुनैद हाँ उन्होंने ये मेरे को बोला था कि हाँ, तो उसने एक टीम भेज रहा है शायद बांग्लादेश से। ठीक ठीक है, तो वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें तो दे दिया आईडी पासवर्ड, भेजो। कोई, ओह माय गॉड, मैं तो मैसेज किया था तुम्हें। रॉकी भाई बात यह है कि बांग्लादेश में अभी स्टॉर्म चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए करंट एंड नेटवर्क बोथ आर डैमेज्ड। अरे भाई, मेरी तो तबीयत ही डैमेज हो गई है। हाँ, ऑडियंस का पता है इस बात में? अरे नहीं, वो तो चलता है अभी, क्या बताएं। ऑडियंस भाई दुआ किया मेरे लिए और मैं दो दो बार नेगेटिव आया हूँ रिपोर्ट के हिसाब से। ये तो भाई कमाल ही है। शायद तुम पूरी वर्ल्ड में पहली स्ट्रीमर कैस्टर हो जो इस बावजूद भी कास्टिंग कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता भाई, मेरे साथ इतने पब्लिक का सपोर्ट है यार, कुछ नहीं होना है मुझे। ऋषभ का कॉल आया। हाँ ऋषभ, हाँ रॉकी भाई हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ ग्रेनेड अलाउड है ना वेक्टर छोड़ के? यू श्योर? आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, मंजूर है। हाँ घुसा दे रॉकी भाई। हाँ वो मैं पूछा भी था कि डू यू वांट सब्स्टिट्यूट। मुझे लगा था पहले मैच के बाद ही आप शायद सब्स्टिट्यूट लोगे। कोई नहीं, वेल प्लेड, ठीक है, मैं टीजी को मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। टुमारो, ओके, चलो सी या। अल्फा आपको भी दे चुका हूँ और ओवी को भी दे चुका हूँ। तो गाइस, ज्ञान ऋषभ का कॉल था एंड ज्ञान ऋषभ इज आस्किंग फॉर अ रीमैच। क्या इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट है? जी गाइस, क्या जीजी और टीजी का रीमैच देखना चाहते हैं आप लोग? मुकाबला शुरू करते हैं। बीबीएफ आर्मी। और एनएचके आमने सामने, देखते हैं गाइस क्या होगा। दिल से नाइट हॉक्स और बीबीएफ आर्मी। वो भी मैंने आईडी पासवर्ड दिया था आपको, टीम नहीं आई। हाँ ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट तो मैच में बुला भेजिए लो, देखते हैं रॉकी गाइस। भाई। आई थिंक टेक ए ब्रेक, है? यू नीड टू टेक ए ब्रेक रॉकी भाई, अरे प्लीज। नहीं 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 मेरा नाम रॉकी है ब्रो, मैं ब्रेक नहीं ले सकता। माय गॉड, बीबीएफ आर्मी नूब गेमर बीबीएफ की टीम, नल्ला गेमर रशर, जियान वार्निंग, नसीम और अजय आगे बढ़ते हुए। दिल से नाइट हॉक्स। ओ जी गाइस, क्या आप लोग देखना चाहते हैं जीजी बनाम टीजी का रीमैच? क्योंकि ज्ञान ऋषभ के कॉल के बाद ये कंपटीशन नया रंग रूप लेगा, क्योंकि ज्ञान ऋषभ इज आस्किंग फॉर द रीमैच फॉर टुमारो।
पीजी को रीमैच के लिए इनवाइट करते हुए ज्ञान ऋषभ। इस कहानी में नया ट्विस्ट, क्या बात है, क्या होगा यहाँ पे? हेडशॉट लगेगा। देखिए हेडशॉट लगा सकते थे अल्फा, बट रिस्क नहीं लिया। पीबीएफ अल्फा इस टीम के कप्तान हैं नूब गेमर, बीबीएफ आर्मी, पीबीएफ रशर, इनका नाम रशर है यानी रशी करते होंगे, बट इनके पास M4A1 है जो मुझे लग नहीं रहा रश करेंगे। और गजब का कोऑर्डिनेशन शॉट, एनएच के वार्निंग, एनएच के अजय को डाउन कर दिया गया है। ओ यहां पे एनएचके को फंसा लिया। दिल से नाइट हॉक्स के ये लड़के नए हैं, जवान हैं, जोश में हैं। वाओ नाइस शॉट नसीम मियां, बहुत बहुत ही दुरुस्त शॉट लगाया आपने। नाइस शॉट नसीम जियान। और यहां देखिए गाइस 2v3 मुकाबला, और है गजब का शॉट। नसीम मियां ने झंडे गाड़ दिए, लाइक तो बनता है नसीम मियां को। वन लाइक फॉर एनएच के नसीम, बहुत ही एकदम आला दर्जे का हेडशॉट मारा नसीम ने, मानना पड़ेगा। और मिड रेंज में इस किस्म का शॉट डेजर्ट ईगल से आसान होता नहीं है। लॉन्ग रेंज में काफी कारगर साबित होती है डेजर्ट, बट इतने मिड रेंज में इतना सटीक एम, प्रैक्टिस करिए लड़के ने, वाहवाही बनेगी। तो गाइज आप भी लाइक कर दीजिए, अपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए जहां पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है उस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन बन के आ रहा होगा कुछ ऐसा, उसको यूं करके क्लिक करके जरूर लाइक करें गाइज। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या जीजी और टीजी का रीमैच होगा। सिटी ओपन में भी नेपाल को चांस नहीं मिला अब तक। सिटी ओपन क्या है ब्रदर मुझे पता नहीं, क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, मैं पिछले 5 दिन से बीमार था, मैं आज ही लाइव स्ट्रीम करने आया हूँ, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, तो मुझे आइडिया नहीं है व्हाट इज सिटी और वो जो भी आपने लिखा है सिटी वो जो भी है। तो मैंने अपने एंड से वादा किया है जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें नेपाल को चांस मिलेगा, और मैं अभी भी भरोसा दिलाता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, जो वादा मैंने किया है वो मैं निभाऊंगा। मैंने जीजी और टीजी का मैच होगा इसका वादा किया था। आप देखिए आधी तबीयत मैं एक बार जबान दे देता हूं तो उसे पूरा करके रहता हूं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने एक बार जबान दे दी तो दे दी। वो एक्सट्रीम एक्स आएगा, एक्सट्रीम एक्स आएगा। ओके लेट्स सी गाइस, बांग्लादेशी टीम एक्सट्रीम एक्स को मौका मिल रहा है अगले मैच में। बीबीएफ आर्मी एक एक की बराबरी, क्या बात है, गजब का मुकाबला चलता हुआ। जल्दी से जल्दी गाइस 50,000 लाइक टारगेट पूरा कीजिए, 3,500 लाइक टारगेट बचा हुआ, जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस, वो जो थम्स अप वाला बटन उसके ऊपर क्लिक करो, फटाक से लाइक करो। एनएच के अल्फा द गेम चेंजर को बुलाइए। हाँ यार यही मैं सोच रहा था, एनएच के में कुछ गड़बड़ है, एनएच के अल्फा नहीं दिख रहे मुझे। खैर एनएच के हमेशा नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, क्या पता अल्फा की जगह आज कोई और खिलाड़ी मिले। अभी तक तो नसीम मुझे बढ़िया दिखे हैं, बट बढ़िया दिखने में और मैच जिताने में फर्क है काफी। नसीम मियाँ बड़े मंच पे हो आज, सारे इफ्स एंड बट्स यहीं खत्म होते हैं। ये है RNX, रॉकी एन RDX, भारत के सबसे बड़े बड़े पन्ने खां, सबसे बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, चैंपियन खिलाड़ी यहीं से गए। अगर आज जिता दिया तो आने वाले कई दिनों तक पब्लिक याद रखेगी। माय गॉड, जीजी बनाम टीजी का रीमैच के लिए बताया गया है गाइस, और टीजी को मैसेज करना पड़ेगा मुझे क्योंकि क्योंकि ज्ञान गेमिंग की ओर से सारे सारे प्लेइंग फोर का मैसेज आया है, वी वांट अ रीमैच, क्योंकि नो एक्सक्यूजेस,
बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले का अंत कुछ और होगा. सो वी नीड अ रीमैच. और टीजी को भी काफ़ी मज़ा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट. देख के पता चल रहा था टीजी को भी सॉलिड कंपटीशन मिला है टोन गेमिंग स्पोर्ट्स को. नहीं, 2-1 से आगे हो गई है यहाँ पे एनएचके. ये फेक है. ज्ञान स्ट्रीम कर रहा है जाके. अरे मेरे भाई, फिर आप बोलते हो कि मेरे को 9 साल का बोलते हैं. गाइस एक लड़का लिख रहा है ये फेक है, जाके देखो ज्ञान भाई लाइव कर रहे हैं. अबे घोंचू, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे कि देखो रॉकी भाई गुस्से में किसी सब्सक्राइबर को सुना दिया. दिमाग नहीं है तो कम से कम अकल की अठन्नी तो बेच के मत खाओ. क्या बंदे हैं यार, पता नहीं हमारी कम्युनिटी कब मैच्योर बनेगी, भगवान जाने भाई. इलीट वर्सेस टीजी होना चाहिए रॉकी भाई. वो भी होगा, वो भी होगा भाई. नेपाल को भी चांस दे दो जरूर ब्रदर. आज तो किसी भी नेपाली टीम से मेरी बात हुई नहीं क्योंकि गाइज मैं आज ऑल ऑफ अ सडन ही लाइव आ गया. और आज भी मेरा लाइव आने का प्लान था नहीं, बट आई मेक श्योर कि कुछ नहीं होगा मुझे. और मैं आइंदा से इसी तरीके से लाइव आता रहूंगा गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लाइव रहूंगा मेरा ध्यान गेम में बना रहेगा. मैं जितना लाइव से दूर रहूंगा उतना नुकसान होगा मुझे. बीबीएफ अल्फा ने कृष्णा नाम रखा है अपने पेट का. एक बीबीएफ कृष्णा हुआ करते थे. बीबीएफ डोरेमोन नल्ला गेमर एनएचके वार्निंग टीम अजय ज्ञान. ओह क्या हेडशॉट लगाया ज़ियान ने. 3-1 से आगे नाइट हॉक्स. तुम कतई जहर हो मेरे भाई. वही ज़ियान 8 किल कर चुके हैं. फिकर मत कीजिए गाइस, मुझे कोरोना नहीं है क्योंकि मैं 2 बार टेस्ट करा चुका हूं. और जहां तक मुझे लगता है तीसरा रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अब तो मेरे सारे मतलब जो बचे कुछ सिम्टम थे वो भी चले गए. अब बचा क्या भाई, जब होना था तब तो हुआ नहीं, अब क्या होगा. नल्ला गेमर रशर डोरेमोन अल्फा आगे बढ़ते हुए. वार्निंग नसीम अजय और ज़ियान फ्रॉम नाइट हॉक्स. देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे. एनएचके की टीम कहाँ से रोक के बैठी, और बीबीएफ आर्मी भी पूरी तरीके से तैयार है. वी वांट प्री गेमिंग ई स्पोर्ट्स बैक. ओके यू विल गेट. हमारी हाजिरी पूरी हो रॉकी भाई, पूरी पूरी बापू. जय माता जी. एक नंबर गेम चल रहा है रॉकी भाई. वही 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 भाई, थोड़ा रेस्ट कर लो ब्रदर. लाइव स्ट्रीम के बाद रेस्ट ही करना है रॉकी ने. पूरा दिन तो रेस्ट ही करता हूँ, थोड़ा लाइव ही कर लें दो भाई. एक हफ्ते बाद लाइव आया हूँ, बहुत मिस किया है मैंने आप लोगों को भाई. नेक्स्ट में एक स्लॉट मिल सकता है क्या? ब्रदर एक्चुअली प्लान तो मैंने कुछ किया नहीं था. बांग्लादेश की एक टीम खेलेगी और इतना ही पता है, उसके बाद शायद मैं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक्सो से भी मैसेज आ रहा है कि रेस्ट कीजिए आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आप. हाँ बांग्लादेश के साथ हमारा करा दो एक मैच. आई एम ट्राइंग ब्रदर. चलो
रॉकी नाम है मेरा, कुछ नहीं होगा मुझे। एनएच के चार एक से आगे हैं। बीबीएफ आर्मी घिर गई, नल्ला गेमर बिल्कुल अकेले। शॉट गए, डबल किल। 5-1 से आगे एनएच के, बहुत बढ़िया खेले। एक एक बोतल पानी पी जा रहा हूं मैं भाई घंटों में। गजब का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। एनएच के जियान 10 किल कर चुके हैं, डबल एडब्ल्यूएम इनके पास। और ये क्या कर रहे हैं, शायद नेट जा रहा था इनका। नसीम डाउन, नल्ला गेमर, रशर, डोरेमोन का शॉट। की तेज ग्लू लगाई है डोरेमोन ने, लेकिन भाई साहब ज्ञान यार तेजी से इनकी ऑम चल रही है। बढ़िया खेल रहे हैं ज्ञान। तेजी से हमला कर रहे हैं ज्ञान। गए एनएच के अजय बिल्कुल अकेले, 1v3। एक और ग्रेनेड, वो डाउन, दो बंदे डाउन है शायद। बिल्कुल अल्फा और रशर दोनों को फंसा लिया, नल्ला गेमर और अजय। और कमाल कर दिया एनएच के अजय ने, अकेले 3 बंदों को शहीद कर दिया। कमाल कर दिया एनएच के अजय, बहुत बढ़िया। बीबीएफ आर्मी को क्या ही फंसाया है। ₹7,20,000 कंप्लीटेड रॉकी भाई, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक्चुअली गाइज थोड़ा सा मेरे को भी बुखार बुखार टाइप लग रहा है, सो मुझे ऐसा लगता है मुझे अब आराम करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे लग रहा है थोड़ा बुखार आ रहा है मुझे, ठंडी तो नहीं आ रही बट थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर है मुझे। फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एनएच के जियान, एनएच के वार्निंग, नसीम, अजय, एनएच के जियान ने तो कमाल कर दिया। बीबीएफ अल्फा, डोरेमोन, रशर और नल्ला गेमर, क्या शॉट लगाया, गजब का शॉट नल्ला गेमर द्वारा। बढ़िया शॉट नल्ला गेमर, पूरी जान लगाते हुए यहाँ पे। एनएच के जियान, वार्निंग, नसीम, अजय, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। वो जियान पे ग्रेनेड आई, और सटीक ग्रेनेड, शायद अल्फा थे, बीबीएफ अल्फा थे जिन्होंने ग्रेनेड डाली। डोरेमोन पहुंचे किल सिक्योर करने, वार्निंग और नसीम बिल्कुल अकेले। 1v4 खेल रहे हैं, 2v3 खेल रहे हैं, 1v3 खेल रहे हैं, 1v3 खेल रहे हैं। बीबीएफ आर्मी बनाम एनएच के वार्निंग बिल्कुल अकेले। शॉट,
और कोई मौका नहीं, बीबीएफ आर्मी मैन टू मैन एडवांटेज का फायदा उठाते हुए 6-2 से आगे द टीम ऑफ नूब गेमर बीबीएफ। लव फ्रॉम नेपाल, मोती मिलाई माया गोरसु कोस्तासो कोस्तासो नेपाल कोस्तासो। सॉरी गाइस, आज कमेंट थोड़े कम पड़े मैंने क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है रॉकी भाई की, बट यकीन मानिए रॉकी को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं, आप यकीन कीजिए, मैं गजब का स्ट्रांग बंदा हूँ, आप सोच नहीं सकते इतना अंदर से मजबूत हूँ मैं। नल्ला गेमर, रशर, डोरेमोन, अल्फा तेजी से आगे बढ़ते हुए, ग्रेनेड डाली गई और डोरेमोन डाउन, शॉट। नसीम थे जी, बिल्कुल नसीम थे। जियान आगे बढ़ते हुए, थिंक गाइज इसके बाद मुझे जाना चाहिए क्योंकि कई लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं और शायद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थोड़ी सी। आई एम अ लिटिल बिट डाउन, मेरी एनर्जी भी थोड़ी कम हो रही है। और मैं बता दूं मेरे सारे भांजों को, प्लीज़ मेरे चेहरे की हालत देख के मत जाइए, आई नो मैं कमज़ोर हूँ इस वक्त, वीक हूँ, बट यकीन मानिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और कोविड तो नहीं है, मुझे 2 बार टेस्ट करा लिया, अब तीसरा टेस्ट मेरा 2 दिन बाद है, अगर उसमें भी मैं नेगेटिव आता हूँ तो मुझे लगता है मैं सीधा घर जाऊँगा क्योंकि फैमिली को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। चेहरा मेरा उतर गया है क्योंकि हाँ शरीर से काफ़ी कमज़ोर पड़ गया हूँ मैं, बट मानना पड़ेगा गाइस इस हालत में भी कास्टिंग की, टीजी और जीजी का पूरा 5 मैच कास्टिंग किया, गजब की कुत्ती चीज हूँ मैं भाई। क्या है ना गाइस कि लाइफ में ना वचन मुग्ध होना चाहिए, आप अगर किसी को वादा करो तो उसको पूरा करो। तो मेरे को था कि मैं चाहे महीनों तक लाइव ना हूँ, लेकिन जो मैंने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना टीजी वर्सेस जीजी, वो तो मेरे को करना ही था लाइव, वो मेरे को लाइव करना ही था। और आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक ईस्पोर्ट्स एक्सो जिन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया, मुझे इस वक्त अपने बेडरूम में ही मुझे जो है सेटअप वेटअप सब लेके दे दिया है, एंड आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक ईस्पोर्ट्स एक्सो फॉर दिस। एंड एक्सो ने काफ़ी ख्याल रखा है गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दरअसल मैं तो गाइस पहले दिन जब बीमार था, मैं तभी से बोल रहा हूँ कि मैं लाइव कंटिन्यू करूँगा, मैं लाइव बंद नहीं करूँगा, बट इट वॉज एक्सो जिन्होंने मुझे बोला कि हमें आपकी फिक्र है और आप एक कास्टर हैं, समझने की कोशिश कीजिए, आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट, आप काफ़ी वीक लग रहे हो। चाहे अंदर से मैं कितना भी कमज़ोर हूँ गाइस, बट इस वक्त फिजिकली मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, वो शक्ल से दिख भी रहे हैं, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कितना थक गया हूँ मैं। दरअसल मैं थका नहीं हूँ गाइस, दरअसल मेरे शरीर में जोर नहीं है बिल्कुल, मैं मुश्किल से शायद 5-10 किलो ही उठा पाऊँगा, अब कमज़ोर हो गया। और आप यकीन मानिए गाइस, मेरा इन कुछ दिनों में लगभग 7 से 8 किलो कम हो गया है, पता नहीं मुझे कोविड तो नहीं बट क्या है अभी तक समझ नहीं आया। आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक एक्सो एंड एवरीवन दोज़ हू टेक केयरिंग ऑफ मी, एंड बस उम्मीद यही करता हूँ कि इस कमरे से मैं जल्दी बाहर निकलूँगा एक दिन, और भाई जैसे ही निकलूँगा भाई अपने कुत्ते के साथ खेलूँगा और मैं सीधा घर जाऊँगा भाई, क्योंकि मेरे गाइज फैमिली की याद आती है, जब भी कुछ ऐसा होता है काफ़ी याद आती है मुझे फैमिली की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो बस वही है गाइज, फैमिली काफ़ी याद आ रही है मुझे। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइज, चलिए आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं जानना कि इस वक्त मेरी क्या हालत है और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो गाइस इस वक्त जो है मैं इस बड़े से बेडरूम में बिल्कुल अकेला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेड्स और सेटअप जो है मुझे ईस्पोर्ट्स एक्सो ने प्रोवाइड कराया है, वेरी नीट एंड क्लीन, बाथरूम एंड एवरीथिंग इज देयर। वहाँ पे एक बेल्कनी भी है जस्ट बिसाइड्स द कर्टन्स,
जहाँ पे मुझे कभी थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली बात है मैं बाहर तो जा नहीं सकता, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे टहल के आ जाता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं इस वक्त पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले से काफ़ी बेहतर हूँ इस वक्त। अगर आप मुझसे पूछे, नेगेटिविटी में यही है कि मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा, इसीलिए शायद थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ मैं। शरीर में पानी की जो कमी है वो इस वक्त आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे हैं। तो अभी उम्मीद यही है कि तीसरा टेस्ट भी मेरा नेगेटिव ही निकले और फिर बस तबीयत ठीक होते ही मैं घर भागूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम गाइज। यकीन मानिए मैं और 2-3 घंटा स्ट्रीम करना चाहता हूँ, बट एक्सो से भी मुझे इंस्ट्रक्शन आ रहा है एंड मुझे भी लगता है कि सेहत के साथ इतना खिलवाड़ करना सही नहीं होगा। सो आई थिंक आई शुड टेक अ लीव फॉर नाउ, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू NHK एंड BBF आर्मी, एंड आई एम रियली सॉरी टू बोथ ऑफ द टीम्स, बट आई गॉट टू टेक द लीव क्योंकि तबीयत जो है मेरी डाउन हो सकती है, मुझे जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा कि आप सबने मेरे लिए जितनी भी प्रार्थनाएं करी, और परिवार से दूर होकर भी मुझे कभी लगा नहीं कि मैं फैमिली से दूर हूँ। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच गाइज। तो जाते जाते फर्स्ट ब्लड डबल किल, गुड नाइट, #, आई लव यू ऑल। तो गाइज #, गुड नाइट, #, आई लव यू ऑल के साथ रॉकी भाई विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। यू नो ज्ञान अल्फा बड़े अच्छे से। चलता हूँ गाइज, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये आप लोगों का प्यार ही, आप लोगों का भरोसा ही है मेरे ऊपर जिस कारणवश मैं जो है यहाँ तक इस हालत में भी स्ट्रीम कर पाया, इस हालत में भी बेफिक्र होके मैं स्ट्रीम कर पाया। मैं देखिए गाइज, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया अभी, वो देखिए पीछे एक स्टीमिंग मशीन है जिससे स्टीम लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए, और पूरा ख्याल रखा है स्पोर्ट्स एक्सो ने, हमारा पूरा ख्याल रखा है। इनफैक्ट एक्सो काफ़ी वरिड भी हैं कि मुझे स्ट्रीम नहीं करना चाहिए, बट मैं अपने वादे का पक्का हूँ, इसीलिए TG और GG का मैच जो था वो मुझे हर हालत में करवाना था। उम्मीद करता हूँ अगर मैं कल भी ठीक रहा तो जो रीमैच की गुजारिश GG की ओर से हुई है, मैं TG को मना के ले आऊँ और दोबारा रीमैच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, आई एम रियली सॉरी बट अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, और एक्सो से और कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि यू शुड गो एंड टेक रेस्ट, अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं आप, तो जाना चाहिए गाइज मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच।